लेकिन ये लोग पर्यावरण के अपने जीव जंतु वाली सुरक्षा और ये लोग बने मतलब कने भी समझौता नहीं की तो बटे आज जनी मेरा थोड़ी है टाइम में या पुराना राजा महाराजा और टाइम रे में या अपने मुगल शासन रे में बटे पेड़ काटो हारू बने आदेश हुओ बादशाह रो के जाओ बटे अने कुड़ी वगैरह भक्ता जी ने गोमी अने पेड़ घने ही जो उन्होंने कोलसा की जरूरत थी के झाड़ काटे पर कोलसा बना दो बरा जो वे पेड़ काटवा वाला उड़े खेजड़ी की नहीं खेजड़ी और पेड़ काटवाया तो बड़े लोग ये बटा लुगाई महिला धके आई और 363 महिला वे शहीद हुई भी 363 महिला अपनी सड़को रखा था कि मैं पेड़ काटवा नहीं दिया तो उन्हें पेड़ काटवा वाले मनखा नहीं पेड़ काटिया और आखिर में एक अड़ो मतलब झंडे में वो हवा बनी कि उन्हें शासक खुद वने ना वो आदेश वापस लेना पड़ियो तब मंडेम राजो वनर तो भाई लाड साहब वे दा बोलता वो मुड़ा थी कौन उन तो लेकिन फिर भी वनोराई समर्पण और वनोरी त्याग की भावना देखता था कमने के वने वनों क्यों के हाँ आत हो रहा वास्ते में हमेशा खेज भी रोपेड़ नहीं काटा ऐडा ऐडा वनोरा उदाहरण है लेकिन आज रोहनी नवा युग में परिस्थिति यहाँ पैदा हुई भी है कि हमने पड़ोसी देश पाकिस्तान है वो चाहे कि जाओ ने देश रे में अपने डे नशो मिले नशो और नशो कान में है इसमें हीरोइन है कई कई नौ में नहीं आता सरस वगैरह और वे विदेशों अतिनि बॉर्डर पार करे हाँ नठे आवे तो मैं मोटी आरों ने वे नशो थे और वे आदि व्यापरा से बनो रे हालत ये वह हुआ रे पूट वे कहानी को बना नहीं बनो ना मायत्री बना दी परेशान पड़ोसी परेशान और बनो ने दोनों तो अनहारू है बटे आइडियो में ज्यादा हूँ यूरियो हमने पंजाब में हूँ पंजाब में मैं हर जवान ने नशेड़ी बना वाली प्रयास की तो और घनात्रा लोगों ने नशेड़ी बनाया और आज बना रहा माता एक फिल्म बनी थी उड़ता पंजाब ये बटा रहा दोष ये दोष पैदा हुआ बने खातर तो बने निशार लीते ये लोगों ने में गलत प्रवृत्तियां पैदा हुई मोटियारों में और बने प्रवृत्ति रह लीते आया कई तरह का अपराध पैदा हुआ। हमारे काले एक महाकुंभ हुआ जोधपुर में और बटे लाखों लोग भिड़ा हुआ बटे उसमें एक बात याद आई हासुर ने उठे याद जीतो क्योंकि बटे एक मतलब एक आदमी ने क्या हुई और मोटी बात आ हुई कि जनंदन मोरत तो जिला रो और हो जाए मोटा मोटा अफसर बटे हाजिर था और उन्हें अफसरों की हाजिरी रे मैं एक धोड़े धाड़े एक आदमी ने गोली मारी हुई तो वो एक मानव हत्या एक कुतरा रजू करने मानो ने मानो तो लोगों नजरों में आई रू के यार ना ओपन ना एडी जिटे लोग और मैं भावना या संस्कृति या लोग और मनोवृत्ति एडी हुई प्रिय है और हाथ अपने ऊँट बैठ नहीं वेख तू तो अभी विचार की तो कि भाई अपने दोनों तो कड़ी भी जगह या वो कड़ी मार्फत में लोगों में भावना जागृत हुई अपने का यू ग्रहण करती ठीक है अपने भीनमार जिलो करो जब मोकवान मेलू मिलियो के अपने ढुकड़ू पड़े भीनमार हबकू है रेल साधन हो रो है अंदर पे मोड़ा बिगा हुआ तो बड़े बहुत धोनी तो ऐसी परिस्थिति और में हो जो नहीं आप भावना लागी कि अपन तो जिलो नेहरू ही है अंदर हो जी बहुत अपने ठीक आवे तो भीनमार जिलो करो को हमें सरकार ने भरोसे अभी बैठा सरकार ने करनू है सरकार ने थे साथी माधे बैठा हो थे रोनी बारे सो बैठा हजमो के सरकार ने साथी माधे से पूरी बैठा हो क्योंकि हर सरकार ऊपर जो बने कि हमारी जनता रोड माधे नहीं बे हमारी जनता अगर धरना प्रदर्शन नहीं करे वही आप अभी जनता नहीं खुदरी गणे अलग पार्टी विरोध पार्टी बाजी तो जब चुनाव आचार संहिता लागी है गए वृंदारे धमचक चालू हुई है ये लोग के वो मोहन ओपे बंदा रे बने नहीं टूट गए अने सरकार आदेन कितना रिया हमें शायद 18 के सावी दाड़ा रिया है गणमा दाड़ा की गणमा दाड़ा में यानी सरकार नहीं सेहत है अने अपने विश्वास है कि सरकार अपन दिन मार जिलो दे ही लेकिन कदी दे बने माते ओपे ऐसे विचार करना ओपे तो वाट जो सरकार रे काम हुए बा होपलो थोड़ी ना आ सरकार अपने बकरी दे रही है बकरी दूध तो दे पर मैग ना करें दे हमें मोड़ाई बकरी नहीं दोड़ी का मोटी बात है वो गवस में करी है री बगड़न करी है री लार दी दोन तो दोगा डुबी उड़ा था बनते हो जो जोर करी अपन वो मैग ना ऊपर दी पड़े ही मारती तब लोने सो गई
धोनी सरकार ने आज दी है कि दूध तो दी है पर मिंगना करें दी है तो हम मिंगना नहीं करें दूध दे रहे दर्तोने ने होपा खकरो मले हम नेत्र गलत पड़ी जो ओपे का के खकरो कौन करी है ओपे वो वार्ड दो हम सरकार दिया वार्ड दो के ओपे जिला ने मना है ओपे करने दोष नहीं देता हाथों जिला बहुत बढ़िया खूब बढ़िया के हाथों जिला बनी हो हम मनवा सोच तो दो आज फिर हाथों रा बोर्डर से वादड़ा सूत्री ये खटे खटे अलगल का गोम ही पठारा गोमोर मंदा की दी जालोर आवे रो तो 80 किलोमीटर पड़े 80 किलोमीटर सड़क मार के आवे ये तो उतरो छेटू पड़ तो मड़ो रे एक दाड़े आवनो अन बीजे दाड़े जानो आवनो री हालत थी तो वणो रे हारु जिलो जोई तोई तो और जिलो बने खूब मोटी तहसील है चितलवाणा खूब मोटी है हाजुर ए बे मोटी तहसील ना तो घणी बे जिलो और बे तहसीलों मा दे जिलो प्रो बने तो वणोरे कोनू व्यवस्था थी की वे होरा अन जालोर वाला ये जतरा भी सरकारी अफसर बनी जा जालोर बैंक गए ओडे वारदात हासो रिवेन तो नो में नहीं लेता बड़ो दी उसार पड़े अन दी वटीज बनारी सरकार बे रही वे फ्री तो वणो रो वे पार्टी न होम डेई ओपने घणो देखवारी जरूरत थी वे देखता रही खूब खुशी आपने हासो जिलो वणवा सुई तो अन बणियो अन हमें कहा का ओपनी खुशी जरी रही है कहते भीनमा ने जिलो बनाओ ब्रो तो मैं घना राजी थोड़े माते और मोरू को में थे या आदमी ऑफरो के थे गुणों को की तू जड़ मोरू की तू हम जो भी अपने बंधु है कई गो मेड़ा है जनों रे हासुर दी नजदीक पड़े तो वे चाहेंगे हासुर में जा तो वो हकीरी बात है वे हासुर में जान सीजे और कई गो में अपने के मैं भिन्नमाल में रहना चाह तो भिन्नमाल में रखे आप दे तो अपने जेड़ो मनखरी दी बहाना पहला देखी वे थी कि वे कौन घटीन जानो चाहे थी पूछू वे तू अपना प्रतिनिधि पूछू वे तू तो आ स्थिति पैदा नहीं वे थी लेकिन वे तो कहे कि जिला तो बारह बोलता था बारह जिलों का नाम ले अनुपावित बोलिया फिर ओगनी बोलिया अरे ओगनी हर का एक एक पर एक रोत रहा भी मोह रोत रो तो अपने हिजरत पर अपने पर कितने मार पड़ती थी जो अपने हिजरत पर अपने सरकार दिया मांग रखा हुआ ते कौन करे हावल करे अन अपने अपने कहाँ वो करे पर तो अपने हर खूब घनो हावल सरकार खोटो नहीं करे हावल इस करे एडियो पे आशा रखा भारत माता की सोमराम जी ने एक फेस पूरा हुआ हो सर बिजो फेस पर से भाई जोरदार एक बार तालियां बजाओ आदरणीय भाई सोमराम जी सोमराम जी सोमराम जी कल तो कोई सम्मेलन तो बीकानेर पता गया था और हमें बात रेडी भी ना है हमें 5 बजे होती रोकर एकदम हमें तो बस मौन मतलब मना मैंने जानू अन वाली बात हुई हमें भाई आप हकाया है ना त्यार किधर आप हकाया है केवल तात्पर्य हो है कि बाहन उम्र में जो फरारी आए और आप सब भी फरारी आओ तो कौन कौन तो दख है सोमाराम जी भैसा कुमार आपने वो फरमाया होगा भाई सरकार 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 सबरी है सरकार कोई पार्टी विशेष से नहीं बहती सरकार बढ़िया बूटी मुख्यमंत्री सभी ना भाई मैं फिर भेदभाव नहीं देखता पर मना जो फीडबैक मिली हो वो गलत मिली हो मैंने जो अधिकारी लगाया वो जो फीडबैक बटे जानो चाहिए था आपके माध्यम थी गांव का माध्यम थी सरपंच साहब का माध्यम थी प्रधान साहब का माध्यम थी एमएलए साहब पूर्व एमएलए साहब सबों का माध्यम थी जो फीडबैक जानो चाहिए तो यहाँ बटे पूरी बात मिल लेती मैंने बात में कोई कोई कमी नहीं थी कमी आई रही है कि हमारा भुगतान मौसम ने करना पड़ेगी और रोज धरना प्रदर्शन करे और धरना प्रदर्शन जारी रही जटा होती आचार संहिता नहीं लागे या जटा होती मोरी मांग पूरी नहीं हुई अपनी मांग पूरी नहीं हुई सबरी मांग पूरी नहीं हुई हमें आपने लागे कि भाई धरना की गिर गई थके बस ये कहूँ आचार संहिता लागी बस अपने सरकार होबली नहीं होबली तो कहूँ करना वन वास्ते अभी रस्तो निकाल लो आशा से ता लागी ओपन मावड मले वन ने 3-4-5 दिन पहला पूरी पंचायत समिति ना लोग जो पंचायत हाथोर में नहीं जाने चाहती है वे पंचायत भी अरे रोनी वाड़ा मुख्यालय माते बस इतनी पेटी साले जर रिसन के नाम है वो भी देना भैया और सभी लोग आप अपने घर से आते आवे नहीं आए आज काटमाला में लोग आया और सांड पूरा बिलेट बना दिया
शायद आपने करे न तो पीला चावल न भाड़ो न तेल न कोई पार्टी की मीटिंग में तो मैं नेता लोग के डीजल में भरवा दूंगा किराया। हमें परंपरा हुई है, पहला नहीं है परंपरा, हमें पार्टियों को पड़ी है। पहला हमें जयपुर जाता था ठंडा प्रदेश में तो पैसा गला हो रुपया मेला भेला करता भाड़ो खुद लगाता पैसे जाता बंटम में। नेता भी ईमानदार, हमें भी ईमानदार यारी बात नहीं है, लेकिन हमें खस्सा वधी होगा तो हमें पब्लिक तो करने में हमें आया। लेकिन हमने धरना ने मैं जूनी पद्धति पास लागू हुई है, कई पद्धति लागू हुई है तो पहला खुद या खस्सा थी आवा और पांच दिन पहला 30-35-40,000-25,000 जितना भी लोगों में भेला भैया और हमने सरकार रा मंत्री प्रदेश कांग्रेस पार्टी रा जनता पार्टी भाजपा पार्टी रा केंद्र रा मंत्री वो राजस्थान में कांग्रेस का मंत्री राजस्थान सरकार रा वो सब बोला भैया मंच माते आओ हमें भी फैसला फंसो में करा मतलब फोर्थ डाटा रजिस्टर किया बोलो हमें थोड़ा काम करना क्यों मोने दियो के नहीं देता हो क्यों तो बा मुझे बात असर पड़ी कि नहीं पड़े हो क्यों कांग्रेस का मंत्री में भाजपा का मंत्री में बीजा पार्टी का मोटा मोटा लोग में अजय देवड़ा साहब मुझे पूरी पहला हिस्ट्री बता भाई कि भीनमाल यहाँ मापदंड करता था पूरा जब जालोरी नहीं करते तो हासोरी तो कोई बात ही नहीं है बेटा कॉलेज में कमरों को भामा साहब ने बनाओ तो हॉस्पिटल में कमरों भामा साहब ने बनाओ तो स्कूल में कमरों भामा साहब ने बनाओ तो पटवारी में कमरों भामा साहब ने बनाओ तो ग्राम सेवक क्वार्टर भामा साहब ने बनाओ तो रोडवाड़ा में तो जो साहब मंत्री था देवराज साहब हॉस्पिटल बनाओ ना सरकार ने और भामा साहब बनाए लोगों ने सेवा जी भिजमान में देखो आप दीवानी परिवार पुरान पुलन रमेश जी दीवानी बना रहा बनाना बहुत बहुत आभार है धन्यवाद है जोरदार ताली बजाने बना रहा स्वागत करो बड़ा मोह मारे बाबू देवड़ा साहब ने निवेदन माते पुलन वाले सेठ साहब क्यों के देवड़ा साहब आप डॉक्टरों की भी व्यवस्था करो तो मोरवानी वाड़ा ने हॉस्पिटल पहला ना हॉस्पिटल बहुत बड़को अब लाग तुम्हा सतापन साहब होती तो रानी वाड़ो सेंटर है वो ना खुद भी कोमरों तो कर गा सतापन होती हो कि बड़कोम करती रानी वाड़ो सेंटर पर है बड़कोम में गुजरात का भी पेशेंट आवे हिरोई जिला ना रायपुर है आवे सतापन रानी वाड़ा में हॉस्पिटल बढ़ावे और पूरी विधानसभा में एक मोटो उदाहरण पेश के तो दानदाता ने रूप रे माए वो देवड़ा साहब के तो दानदाता माध्यम से और हमें बड़गोम में भी मुकेश जी ध्यान रह पाए देवड़ा साहब निवेदन करें हॉस्पिटल बनाए दानदाता बनो मात्र 41,000 केवल तात्पर्य है कि बड़ा लोग ईमानदार लोग जो लोग हैं वे कोई दानदाता ने कहे कि वो अपने कौन को हॉस्पिटल बनाओ ने स्कूल बनाओ ने तो त्याग रहे भिनमाल में देखो आप बड़ा जन्म नेता बड़ा पहला बा बड़ा पहला बा कॉलेज बनो लिखन बनाई वने जमाना मने हो सके 50 साल पूरी थी जबकि गणेश जी ने बहुत ही मोटी बनाई हॉस्पिटल बनाए भिनमाल में कोर्ट में गए रूम बनाया स्कूल बनाई रोड बनाया सोलाया बनाया पर एक ही सरकार ने भरोसे कोई हमें बावड़े हाथों में कॉलेज के बारे में ना पहला दी थी अजय कमरिया नहीं बनी आई तो ही वरन दिलो दीदो सब दीदो वरन मोरे कोई दिक्कत नहीं है पर मोरे मोने बड़े मत गालो आ दिक्कत है आ मोटी दिक्कत है आ सबसे बड़ी दिक्कत है क्या वह तात्पर्य है और भिनमाल वाला कह दिया है कि कलेक्टर राम डिप्टी साहब राम एसपी साहब राम ऑफिस बना भैया तो ये भामा साहब मलन बना भैया प्रो पर मार भिनमाल भी नहीं दिया अंत ज्यादा काम करेगा बा हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया सरकार का खर्चा रहा बसे रहा हासो जिलो बनायो शुभकामना बधाई तो नहीं भाई कदूरी कम है पहले मैं आपने निवेदन की दो 40-50 किलोमीटर की बात नहीं है दिल्ली की दूरी कितना किलोमीटर है 1,000 किलोमीटर है दिल्ली की दूरी 1,000 किलोमीटर नहीं हजारों किलोमीटर है अनारी जो दूरी है किलोमीटर वाली है मैंने किलोमीटर की दूरी ने कोई नाप पा रखो अपने मैं पैमानो नहीं अनवास्ते सरकार ने निवेदन करवा वास्ते कागमाला पंचायत बिलेट गांव
छान पूरा गांव का बड़ा बुजुर्ग पधारे सरपंच साहब के नेतृत्व में हालत हर गांव रे माए हर मोहल्ले रे माए हर ध्वनि माते जाए हर गांव रे माए नारा गुजरे दिया नारा गांव गुजरे के आधी रोटी खाएंगे अरे आधी रोटी खाएंगे भूखे प्यासे रह जाएंगे भूखे प्यासे रह जाएंगे। और माइक ला रखो सरपंच साहब आया ना साथ वाला दिन भी भाई चंद मैंने कुछ भी बड़ा खुद ही मंगाई भी तो साथ साथ बंदा के सुबह ही खाओगे तो जब आती रोटी उपाय ला रखो क्या वाला तात्पर्य है कि लोगों में जोश है लोगों में जोश कारण है भीनमाल जिला बड़ा वालों पर निराशा काम है हॉस्पिटल में नहीं जावा आ निराशा है मैं नहीं जानू कोई हालत में नहीं जानू थोड़े हाथा जोड़ी करा सरकार मुख्यमंत्री जी आपने हाथा जोड़ी करा के मोने हॉस्पिटल में नहीं जा और सभी पार्टी का नेता क्यों है कि हमें मुख्यमंत्री जी ने टाइम दिया तो सरपंच साहब ने प्रस्ताव हाथे लेना है हर ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लिदो है 15 अगस्त ने काम प्रस्ताव लिदो है ग्राम सभा सरकार में सरकारी रेडी रेड्डी में गांवरी अपने आप बॉडी सरकार में गांव में तो राजस्थान की सरकार बने बने ग्राम सभा में प्रस्ताव लिदो है मोरे हाथों जिला में नहीं जानो है तो भिंडवाल जिलो बनाओ या जालोर में अच्छा बच्चा को एडो प्रस्ताव पारित की दो है हर ग्राम सभा है वरना प्रस्ताव लीडर आए वे सरकार तक रोज मिले लिया सब प्रस्तावों में भेला करे सभी सरपंच साहब जो देश बना रही और भाई सन बड़ा बुजुर्ग बना रही प्रतिनिधि मंडल जयपुर जाए रतन जी भी टाइम ले लिया रतन जी देवासी जी नारायण सिंह जी देवल साहब भी ले लिया है और अर्जुन सिंह जी देवड़ा साहब पूर्व मंत्री तो रोज सरकार है संपर्क में नाम बुलाया जी है IAS अफसर जनरल नॉमिनी कमेटी बनाई जो रिपोर्ट दे सरकार ने वे देवड़ा साहब ने पहला सेक्रेटरी जी बुलाया सचिव था साहब मंत्री था जन तो वे बात भी अपन फायदो मिले मोमाले जान कर महापुरुष कर रहे वन वाली बात वही है पर आंदोलन तो भूत तपना तो पड़ी वना मोहंगी है तो माई भाटी निकल अब आप तो बाकी है हर वास्ते अगली कड़ी में वो अपने बड़े को शांत पूरा थी व्हीलर थी बा ओ बा थोड़ा तो बोल लो बड़ी हमें तो थे रेडी डेट हुआ हमें कोई जोक होती है हमें कोई जोक होती है ना ना हमें तो बात देखो हरम में हमें हरम दौड़ने पड़े हरम ओ बा एक बार पते सामने दिया एक बार आप बा एक शब्द आशीर्वाद दिया रे बस खाली आशीर्वाद बैठा बैठे से बोलो कोई जरूरी नहीं कहा वो बा भी हो लियो आपने वो माइक डाउन हो हेलो हाथ अपने जा रहा बिनमाल ठीक है बिनमाल नहीं मिले तो जा रहा हाथ जा रहा ठीक है हाथ जा रहा नहीं है और रोज नदी नवीन बात आवे अमल वेला तो ठीक है मंत्री धके की है अमिताभ भाई बात एमडी ने अकाउंट का सरस में गोजा तो बात ठीक थी हमें तो कान उदी की है कदर उदी की है एमडी ने बने इसमें बाप बहुत देश घर छोड़ने एक आदमी मले नहीं हुआ है हर गले मोला रमा एक आदमी मले नहीं हुआ है अरे बड़े ही बना रोनी वाला उदी पहुंचे नहीं है वो निवेदन करने चाहूं कि सरकार पहला सरपंच साहब ने पूछती प्रधान साहब ने पूछती एमएलए साहब ने पूछती पूरे एमएलए साहब ने पूछती पूर्व मंत्री से पूछती कि भाई रोनीवाड़ा एरिया ने खासतौर में जानो है कि नहीं जानो तो पूछती तो आप भावना बतावो कि मारे बेटे नहीं जानो बा भिनमाल कपड़ा लेवा जा लुगड़ा लेवा तो भिनमाल जा तो घरे हुआ छोकरों ने बेटो ने पूछा कि थारे क्या कलर बूसत लावनो के बड़े इच्छा तो पूछा
के धोलो लावनो के लाल लावनो के पीलो लावनो तो बेटो बेटियां ग्वालडी अपनी इच्छा अनुसार कलर बतावे वन टाइम में इच्छा अनुसार कपड़ो खरीदा फिर जिला रो जुला बना पूछी है दुदारो एडी बात नहीं हले जने हाचोर में सरकार ग्राम सेवक की परीक्षा निकलावती पटवारी की परीक्षा निकलावती आरपीएससी कोई परीक्षा उठा निकलावती सरकार मन कारण तो बताओ कि हाचोर में परीक्षा क्यों निकलाव जिनमें परीक्षा निकलावती है तो पैसे मोरी क्यों परीक्षा लियो होगा मोरी परीक्षा मत लियो और मारी परीक्षा में मेरे बेटा नहीं आ जटा होती थी मोर परीक्षा में मैं पास नहीं करूं मैं तो परीक्षा दे बो कर यहाँ अरे एक पेपर लिख नहीं बना दिया जमन भैया कोई कार्यकर्ता नहीं टूटे कोई कार्यकर्ता नहीं टूटने में सारा कार्यकर्ता 36 कौम सारी पार्टियां एक मंच माते एक तजम माते बे एक इस मांग करे काम मांग करे दी है कि आधी रोटी खाएंगे अरे भूखे प्यार से रह जाएंगे आधी रोटी खाएंगे भारत माता की लो साहब तो आदरणीय सरपंच साहब ठाकुर श्री महेंद्र सिंह जी साहब निवेदन करो कि आपने दे वाला फरमान हो जाओ तो समापन में आपने धन्यवाद दे दो हमें भाषण दे दो मौन कर दे आज धरना में आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी प्रधान पंचायत समिति रानीवाड़ा ग्राम पंचायत कागमाला थी तीनों गांव थी पधारिया बड़ा बुजुर्ग और मारा भाइयों आज से करीब 5-6 महीना पहला राजस्थान सरकार 19 जनवरी घोषणा की दी और वन्ने हाथे राम श्री राम लुबाया जी की कमेटी बनी घोषणा की थी सांचौर जिलो बनियो वन में अपने जिला रा जो वासी है वन बधाई लेकिन सरकार 5 महीना रो टाइम दी दो के राम लुबाया जी की कमेटी हर जिला में जाती हर जिला री पंचायत समिति लेवल माते प्रधान और जो सरपंच जनप्रतिनिधि था वनोरे बीच में डिस्कस करती के कण गांव ने कण हाथे जानो है वे लोग 5 महीना तक जयपुर रेज में घूमता रिया जयपुर में इस वार्तालाप करता रिया नेता और पार्टी कार्यकर्ता और प्रेशर में बने जिला बनाया कम से कम परिवार में कहेंगे बड़ा भाई बाप तीन अलग वे वो उदाहरण भीनमाल रो है मैं 1982 थी मैं 5वीं क्लास में पढ़ते वन टर्न थी मैंने भीनमाल जिला रही या भीनमाल सब डिवीजन रही मैंने जानकारी है कि उठे तहसील भी भीनमाल थी एसडीओ भी भीनमाल था कि कानदान जी करें बारड़ता बैठे एसडीओ भी रिया तहसीलदार भी रिया और हमारे परिवार ज़्यादा संपर्क में रिया तो जिस परिवार ने मैं थी भीनमाल थी सांचौर अलग हुई भीनमाल थी रानीवाड़ा अलग हुई भीनमाल थी बागोड़ा अलग हुई भीनमाल थी जसनपुरा अलग हुई और भीनमाल थी शीतलवाड़ा बढ़ी तो अब अन्य बाद में भी कम से कम जो पहले से मोटो वट वृक्ष रहे अपने गांव में वन्य नीचे बेवा वास्ते कोई छायादार नहीं दूसरी बात भीनमाल में आज 82 में वो 84 पढ़तो वन टाइम में अटर ऑपरेटर राज्यपाल था लेफ्टिनेंट जनरल ओपी मेहरा वे दानदाता और उद्घाटन मन करें याद है कि मुझे चौपासनी पढ़ते वे सौमरा पासा मोरे स्कूल में आया था तो मतलब आज समझो 40 साल पहला वो हॉस्पिटल बढ़ाई हो तो दानदाता और एक कमी नहीं सुखराज बाबूलाल जो नार अपने सोनी स्टेट में है वनरे फादर बाबूलाल जी ने नाम दीती दो स्कूलों बनी ओड़ी है वेटनरी हॉस्पिटल बनी ओड़ो लुक्कड़ साहब ने नाम दी कॉलेज बनी ओड़ी है कॉलेज रो हॉस्टल बनी ओड़ो है कॉलेज में वापस हॉस्टल रिपेयर की दो साइंस कॉलेज राजस्थान सरकार सैंक्शन की थी तो कॉलेज रो साइंस रो भवन ही आप बनावे दी दो दूसरी बात शिवराज स्टेडियम री कमी थी वो भी दानदाता बनावे दी दो
तो भीनमाल में दानदाताओं की कमी नहीं है, रानीवाड़ा में दानदाताओं की कमी नहीं है, मालवाड़ा में दानदाताओं की कमी नहीं है, बड़गांव में दानदाताओं की कमी नहीं है। तो सरकार की वही मांग करा कि भाई हम साचोर नहीं जाना चाहते, हमारे जनप्रतिनिधियों की राय नहीं ली, हमारे प्रधान साहब को नहीं पूछा। मैं 33 सरपंच तक मोने करीब बुलावीन पूछी हो या टेलीफोन से भी पूछ लेते कि रानीवाड़ा की जनता कहाँ जाना चाहती है। दूसरी बात, रानीवाड़ा में वर्तमान विधायक आदरणीय नारायण सिंह जी, पूर्व विधायक श्री रतन जी देवासी, आदरणीय पूर्व विधायक मंत्री जी अर्जुन सिंह जी देवड़ा और लाम लुभाया जी, तो वनोरे हाथे कौस साल कौम कीधु तो वनोरी ड्यूटी बनती थी, तो कम से कम अड़ो 3 व्यक्तियों तो बुलावे पूछता के आपने प्रजा रे कणोरे हाथे रेड़ो है। जनटे में कणी आदमी ने कानून रे तेत सजारो प्रावधान वे वन टाइम भी मजिस्ट्रेट पूछे या जेलर पूछे कि थारी अंतिम यात्रा इच्छा अंतिम इच्छा क्या है, तो कम से कम अपने जिला रा जनप्रतिनिधि सरपंच पूर्व एमएलए वर्तमान एमएलए सब लोग एक जाजम बैठे ना डिस्कस करें, जयपुर वाले बुलाया वो तो नौबत धरनारी नहीं आवो। और आज 12-13 दिन थी धरनो दे रहा है, हर पंचायत वाला आवे रहा, ओबे किसान वर्ग थी हाँ हाथा जोड़ी, आप लोग सब इच्छा थी आया हो, नहीं तो पहला कोई भी मीटिंग करनी पड़ती तो मैंने गाड़ियां लगानी पड़ती। आज आपरा बच्चा भीनमाल जाए है कि आराम दी जाए नावे है कि आपरी बहन बेटियां आराम दी जाए नावे है कि हाचोर परसोरी बात है। अपने पंचायत रेज कोई टीचर ब्लॉक मीटिंग में गया था तो मन कैसा, मैं पहला जाड़ोर जाता जर मोरे 40 रुपये में जाए नावता रहा, वे पांच जना किराया कार करें गया, 2500 रुपये की किराया कार करे मीटिंग अटेंड करें आए, आ दहशत रो माहौल है। तो कम से कम साचोर वाले अपने जिले में रहे, भीनमाल जिला नहीं बने तो कम से कम जाड़ोर में यथावत रहे, नहीं तो जब भी संघर्ष समिति आह्वान करेगी वहाँ हम हजारों की तादाद में इकट्ठे होंगे, उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो इस विधानसभा के चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। दूसरी बात, यदि ये विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा नहीं हुई तो आपके 3 पीढ़ी तक आपके बच्चे कोसेंगे कि हमारे पूर्वजों में क्या कमी रह गई जो अपनी मांग भावना तक नहीं पहुंचा पाए या जिले की घोषणा नहीं करा पाए। तो अड़वास्ते धरनो है, जब भी आप रानीवाड़ा किसी काम से पधारे, जैसे रानीवाड़ा भी पंचायत समिति में ये मोबाइल सरकार की तरफ से मिल रहे हैं, तो कम से कम रानीवाड़ा आए तो धरना स्थल में मंदिर में नहीं जाता कि आज गांव में निकला तो मंदिर में हाथ जोड़े, तो कम से कम आप धरना मंदिर है अटे हाथ जोड़े निकल जो 5 मिनट बैठन पधार जो, तो कम से कम जो सरकार अपनी मांग माने वही अपेक्षा करे कि जल्दी दी सरकार अपना फैसलो करे, नया जिलो बने। तो भीनमाल में दानदाता की कमी नहीं है, आज से 6 महीने पहले मीटिंग हुई थी राजस्थान सरकार का, सब मंत्री एमएलए एमपी पूर्व विधायक बटे था सोनी स्टेट में गवाह हूँ, सुखराज नार किए तो कि नहीं वे तो मोहन जिला री सड़क मोरे बाप दादा ने नॉम ती दिया तो मैं रिपेयर कराऊ। दानदाता की कमी नहीं है लेकिन दानदाताओं मान सम्मान पूरा देना पड़े, गांव में करोड़ों रुपया लोग मंदिर बनावे। आज मारे गांव में प्रधान साहब ने नॉलेज में बात डाल दो, आज जो शिलान्यास मारे स्कूल में करें पधारिया था, गांव वाले खुद रे मंदिर तैयारी रेडी हाइट लाख रे स्कूल बनावे रिया है, तो दानदाता की कमी नहीं है कि जिला में कटे तकलीफ पड़े है। तो वही मांग करा कि मने भीनमाल नयो जिलो दो, जिलो नहीं दो तो जालौर में यथावत रखे जिससे गरीब जनता अपना न्याय और अपना जीवन चला सके। धन्यवाद। एक बार सरपंच साहब सामने जोरदार तालियां बजाने से बहुत बढ़िया बात आप बताई है, और बात ऐसी बताइए कि हर गांव बैठे दोन जाता है मान सम्मान तो सही, मान सम्मान मतलब आओ करो देना अभी तो काम पर आपने उन्हें कोई धन नहीं देना, उन्हें कोई बुला जो बुला जो, अपने बीच में प्रधान साहब भी रोज पता ले रही है और बात कहाँ ले रही है, एक जय बोलो जोरदार भी सब, भारत माता की, भारत माता की। एक बात आपने रोज याद दिलावा कि हाथों जिलो बनायो सरकार ने, न तो 18 कोई सरपंच साहब ने पूछियो
न प्रधान साहब ने, न एमएलए साहब ने, न पूरे एमएलए साहब ने, न वार्ड पंच ने, न कोई करने आपत्ति ली थी गांव वालों की, कोई आपत्ति नहीं ली थी, आपत्ति करने नहीं पूछी और सीधी आ घोषणा सरकारी जो की थी और आने वाला है जनता ने आते अन्याय है, अन्याय किया लोग के लिए हाथों क्यों नहीं जाना चाहता। मैं निवेदन करूं आपने बार बार, पहला भी की दो कि आईपीएस अधिकारी सोनी जी डीजी रैंक का आदमी है, वडोरी आज भास्कर जो डिजिटल न्यूज आवरण में न्यूज आई है कि हिंदुस्तान में राजस्थान कोई भी परीक्षा आरपीएस नंबर वन करा तो नंबर वन पूरा हिंदुस्तान में राजस्थान में परीक्षा बैठी तो सबसे बढ़िया ईमानदारी की परीक्षा बैठी। लेकिन कामटा करने नजर लगी कि हमें आरपीएससी संस्था जो है वह बदनाम दे रही है और बदनाम कह रही है हमने आईपीएस अधिकारी की मुंह कह रही हूं सोनी जी और क्यों है कि हिंदुस्तान में जो संस्था नंबर वन माते थी ईमानदारी माते थी हमें पूरा हिंदुस्तान में यदि कोई बदनाम है तो राजस्थान है कनवास्ता है। एक तो नाथी रे बाड़ा का नाम थी और एक साछोरी पाठशाला का नाम कहा है हाथोरी पाठशाला कहा है नाथी रे बाड़ो वो आईपीएस कह रही है और सब लोग व्यंग कर दिया है मजाक कर दिया है हिंदुस्तान में राजस्थान में मजाक कर दिया है। वरन नाम थी जिला बनी हुआ है वरन बधाई हो मोर कोई तकलीफ नहीं है मोरे जो मजाक रहे मोरे अड़ो जिला हाथोर मेरे लगावा रहने वाला जनता हाथोर जिला में रहना नहीं चाहती है आप मोरी डिमांड है। सरकार में अपना मोटा पद माते रियोलो आदमी आईपीएस सीनियर जो डीजी रियोलो डीजी ने कानून व्यवस्था देखता भ्रष्टाचार का मामला देखता जन आईपीएस आईएएस आरएएस आईटीएस जनो माता उन्हें छापा पड़े हाथों हाथ पिया लेता पकड़ी आवे एडो आदमी यदि बोले रही हुआ हमारा रिटायर हुआ चार महीना पहला वे कह दिया है कि हिंदुस्तान में राजस्थान की आईपीएससी संस्था की बदनामी है। ये सबकी गलती है लेकिन ये गलती रानीवाड़ा की जनता नहीं भुगती तो सरकार से मांग करती है। आज वो डिजिटल चल रहा है मैंने भी देखा उसको जीव का एक बार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं साथियों की पाठशाला के नाम से हिंदुस्तान में नाम आ गया ये सेम नहीं होगा हमसे ये कोई जाति में कोई टिप्पणी नहीं है ये संस्था को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसा जिला में मेरे को नहीं जाना बच्चों को नहीं जाना आपको नहीं जाना आपके संतान को भी नहीं जाना। आप सहमत हो हाथ उठा के खड़ा करो सहमत हो तो नहीं जाना है ना बिल्कुल नहीं जाना। भारत माता की आधी रोटी खाएंगे भूखे प्यासे रह जाएंगे प्रधान साहब के मोदी बोलो नहीं बोलो आशीर्वाद तो रुद्र ऐसा क्या नदी आपने गलती साल हुई समुद्र में जर पड़ी भिन्नमाल समुद्र बनाओ क्या जाल और मोहरे भी समुद्र मोहरे तो नहीं जानो दल दल में बा मोहरे तो समुद्र में नदी पड़े फिर ये दल दल में नदी पड़ी है बा नदी कितने जाए कोई नदी कितने दल दल में जाए नदी कितने जाए तो मोहरे आप समुद्र और समुद्र में जाओ दियो आज दिन प्रधान नागवंदन सिंह जी बोलो आपेश्वर महादेव की बोलो भैरवनाथ की बोलो सुंदर माँ की। आज रानीवाड़ा संघर्ष समिति के बैनर तले कागमाला ग्राम पंचायत के सरपंच साहब ठाकुर महेंद्र सिंह जी साहब गांव के सभी बड़े बुजुर्ग हमारे सरपंच साहब पूर्व गांग राम जी आज धरने का 12वां दिन है और ये 5वीं या 6ठी बार मैं धरने में आया हूँ। अभी जैसे ठाकुर साहब ने फरमाया कि कभी भी गांव से आते जाते रानीवाड़ा में कोई काम हो जैसे आप मंदिर जाते हो ना हर तरीके थी अण धरना मावेन आप रो सहयोग समर्थन आप दे हो तो अनसौम जी जो बात की थी कि सरकार कदे यानी चाहती कि वणौरा
उनकी प्रजा या उनके लोग सड़कों पर बैठें और धरना करें। तो ये पक्की बात है कि सरकार जयपुर में बैठी बोटी रानीवाड़ा की तरफ नजर है उनकी। हमें ओप्रेम में कितनी सहनशीलता है और कितने मतलब बिना कोई हा हुल्ले शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन जारी रखें। मैं हर ग्राम पंचायत जो पहले आई उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आज कागमाला ग्रामवासी के तीनों गांव के लोग, बीलड़ है, चांदपुरा है, कागमाला है, जो सब पधारे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये कारवां यूं ही चलता रहेगा। और ये पहली बार है कि इतना बड़ा मुद्दा है जिसमें कोई पार्टी कोई अलग नहीं है, सब एक जाजन पे एक बात और सब मन से आ रहे हैं। क्योंकि ऊंच नीच 21-22 होता तो थोड़ा बहुत मन में रहता है, पर यहाँ तो एक ही बात है या दो बात, या तो यथावत हमें जालौर में रखो या भीलमाल जिला बना के हमको उसमें रख दो। सांचौर को पुनः हम आगे रोज हम बधाई देते हैं कि नया जिला बना, उनको बहुत बहुत बधाई। पर हमारे लोग रानीवाड़ा विधानसभा के लोग सांचौर में नहीं जाना चाहते। सरकार इनकी भावनाओं का ध्यान में रखते हुए जल्दी कोई अच्छा फैसला ले। और हमें पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जब 19 जिले बन सकते हैं तो 20 और 21 भी बन सकते हैं। तो इसी आशा के साथ मैं रोज एक ही बात, मैं तो ये चाहता हूं कि आप में से, आपके बीच में से भले हिंदी में बोलो, गुजराती में बोलो, मारवाड़ी में बोलो, पर बात बे लाइन तो आवे बोलने माइक माते कि भाई अतर इस पर बोलो मोरे हाथ और कहने जानो मोरे है तो कोई ठीक है। रेल में चढ़िया तो धोने रे गया, पर अडीन गया तो भीनमाल जालौर ठेठ जोधपुर तक जा आटा दी सड़ी आन गया। हमें हाचोर रही तो हमें अभी 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 मैंने मोबाइल खोला, जो आपने बात की पूर्व डीजी उनका इंटरव्यू आया है, उसमें आप खुद पढ़ के देख लेना। अगर मैं कुछ अलग कह रहा हूँ तो आज सब युवा हो, सबके पास नेट है, आप इंटरनेट खोल के देख लेना डीजी साहब ने क्या अपने इंटरव्यू में बोला है कि सांचौर पाठशाला क्या है। एक एक गोमती पसा पसा सब इंस्पेक्टर निकले, बुरा आप जादू मंत्री जन तो वह जादू वोटे सो करता ऑफरे वोड़ो जादू भेड़ो ने जाड़ो। हाँ, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है, इसमें बहुत बड़ा रैकेट है। ये सरकार जाने और सरकार इस रैकेट को खोले। पहले भी इस चीजों पे आवाज विधानसभा में मुद्दे उठे हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चों की जिंदगी उनके कैरियर के साथ नहीं खेला जाए। इस तरीके के रैकेट चल रहे हैं वहाँ पे कि मतलब जो बच्चे यहाँ के रानीवाड़ा नहीं पूरे राजस्थान के पढ़ पढ़ के अपने एग्जाम दे रहे हैं और उन्हें एक एक गांव थी पसा पसा नहीं, मौत तो ज्यादा आई पर पसा इसकी आधो क्यों है। एक गांव से 50 सब इंस्पेक्टर एक एग्जाम में निकलते हैं तो ये तो सोचने की बात है। इनकी इसकी तो जांच CBI से करानी चाहिए। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो जो इनके पीछे उठा के सालों को सबको डालो जेल में और इनकी प्रॉपर्टी सीज करो। अब हम नहीं बोल रहे हैं, ये आज का इंटरव्यू बोल रहा है। और इससे पहले भी ऐसी कई चीजें आपके हमारे बीच में आ चुकी है। मैं वहां के व्यक्ति विशेष को, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा या उसके खिलाफ नहीं हूं। कौन है सरकार ढूंढ के निकाले उनसे। और ये भी है कि जब इस तरह के एग्जाम आते हैं तो अब सरकार ने खुद ने सांचौर के अंदर सेंटर देना ही बंद कर दिया है, तो कुछ तो गलत होगा वहां, इसलिए सेंटर देना बंद किया है। तो जब वहां गलत है तो हमको क्यों गलत के साथ भेज रहे हो। हमारी तो यही मांग है, हमको सही के साथ भेज दो या यथावत जात है वहां रखो। इसी के साथ मैं पुनः पूरे ग्राम पंचायत कागमाड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस धरने में पधारे और इसको सफल बनाने में आपका योगदान दिया। धन्यवाद। स्वागत करो आपकी वातावरण आपने बोलो। देखो सर, कड़वी बात है, कड़वी बात भी कहनी तो पड़ी सर, कड़वी दवा लिया तो बीमारी जल्दी ठीक नहीं। पर जो बात है वह तो साहब प्रधान साहब प्रमाण के रोल बना दे दिया है, पर पब्लिक रोड अलग अलग बना रहे साहब, रोड अलग अलग ग्राम पंचायत भी बना रहे और आपने क्षेत्र भी बना रही है। आप फरमाया कि विधानसभा रानीवाड़ा वह हंडा वामला पट्टी का मुझे गोम रहना साहब बोला ना, अपना कोई आपत्ति नहीं रह लो कि झगड़ो पेड़ा मिले जो मोहता नहीं रहना है साहब।
पौसात तीन शहर पंचायत उड़ा के मोरे रेणु में रियो सरकार बड़ा ना के मोरे कोई तकलीफ नहीं है बा मोरे नहीं रेणु भारत माता की ने मेटर वाणी के प्रेमा लोग भेजा जबरा राम जी बोलिया जी बोले एक बजे ना बने बना रहो बात बोलिया भाई बोलिया जबरा राम जी बोलिया हमें अपने एक बजे नाम बताओ देखो अपने बे लैंड बोल रही है समर्थन करना है साहब हाँ मंगल सिंह जी हाँ मंगल सिंह जी हाँ दादा महादेव जी का देखा हूँ हाँ देखा है बढ़िया महादेव जी जी हसमुख देखा है दिया आशीर्वाद मिला तो बढ़िया रही बे सब बोला बे अपने भाषा में बोलो मारवाड़ी में मंगल सिंह जी मजा आवे ना साहब हाँ वाह 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 क्या बात करो भारत माता की वंदे वंदे आधी रोटी खाएंगे आधी रोटी खाएंगे हमारे वर्तमान प्रधान साहब गढ़कोम ठिकाना थे राजेंद्र सिंह जी हमारे ठाकुर साहब महेंद्र सिंह जी हमारे सोम जी चौधरी साहब और तीजे कौमोती हमारे बदारियोला मैं आपका हमेशा के लिए आभारी और ये जो हसोर वास ने अपने आकरे दिया हो चारोल वास ने वही बहुत धन्यवाद है ठिकानों हल्दारो के ओपे भले राजभोट आवे कोई आवे अपने शब्द न रहे धरनु भले वो अपनी पंचायत रो आज है भरे हमारे रहनु वैसे बेवान त्यार अपन बे हाथ और नहीं जाऊंगे जय हिंद जय भारत बात जोर बोले जोरदार ताली बजा लो बाबा से हाँ हाँ जोरदार नारे देखो बढ़िया बोले और नारो में संदेश दी दरो आदरणीय महेंद्र सिंह जी साहब फरमाना ठाकुर साहब सरपंच साहब के जरे भी जरूरत पड़ी प्रधान साहब का बहुत बहुत आभार आप लोग रोज गाँव में पधारे और गाँव में भी आप अलग जगह भी आए दीपक जी आ जाओ जी अपना मतलब ठाकुर साहब फरमाना के जरे भी जरूरत पड़ी मोटो धरनो खड़े ज्यादा लोग भी लावना पड़े तो मोरी ग्राम पंचायत सबसे धके आगे आपने सपोर्ट करी जोरदार ताली से स्वागत है बात में क्यों क्यों एक आदमी कौम नहीं है बा पहला तो मन लड़वा जाता सेना में कई अपना सैनिक शहीद हुए था कई अपना क्रांतिकारी नेता फौसी माते सड़िया हमें तो अपने समय रो बलिदान देना खंड बलिदान देना समय रो अरे पता नहीं हो कि आप लोग तो रानीवाड़ा संघर्ष समिति न तो कोई अध्यक्ष नहीं है कोई सेवक नहीं है कोई कार्यकर्ता सब कार्यकर्ता है खाली एक आदमी अपने आशीर्वाद दाता वे कौन है अर्जुन सिंह जी देवड़ा वड़ोरे दिशा निर्देशन में पहले दिया वड़ोरे गाइडेंस में वड़ोरे जो उन्होंने नियम था कानून था पूरी हिस्ट्री दी उन्हें वड़ोरे वहाँ पे आदेश अनुसार शांतिपूर्ण धरना दे दिया तो मैंने सिंह का फरमाना कि भाई कोई भी धरना हो मैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में लावे यहाँ यदि सरकार बात नहीं माने अपनी बात होती बड़ा होती कौन होती वे कौन नहीं जो नहीं रहेंगे कौन तक तो वहाँ पे वो स्टेप उठावे यहाँ और रानी वाड़ा रे माए और रोड है जॉब नहीं करा सरकार की परमिशन ले या वटा दिले नटा उदी थे छोड़ा दिले बाईपास करे रस्तों पे गाड़ी आवे तो ने गरबा शौक में इन पास थोड़ा पावे धके नहीं भी और पूरा रोड में तो मन कर माटा ही माटा देखा महिला माता बहन सब ने धरना में समर्थन दिया कि मोरे नाथी रो बाड़ और सासुर की पाठशाला में नहीं जानो मतलब नहीं जानो क्यों नाथी रो बाड़ो सासुर की पाठशाला मुंह ने कह दियो और मुकेश खंडेलवाल ने कह दियो है कौन कह दियो है आईपीएस अधिकारी डीजी रैंक रहा आदमी जो डीजी डीएल लॉ एंड ऑर्डर रहा सोने जी कह दिया है कि आरपीएस से पूरा हिंदुस्तान में हमारे नंबर वन थी इज्जत थी पर हमें आरपीएस से पूरा हिंदुस्तान में हमारे मजाक बनी पड़ी है मजाक और काम मजाक बनी है नाथी का बाड़ा क्या सासुर की पाठशाला पेपर लीक ले दिया है हिंदुस्तान में हमारे
राजस्थान बदनाम रही हुआ है, हाथोड़ी 5 साल नाम ली तो है, ऐसा जिला ना मैं मौन नहीं था। और कौन कह रही हुआ है? जिला में जाना हुआ तो आप है किया, पर हाथोड़ी पेपर लिख रही बात, हाथोड़ी 5 साल की बात आईपीएस अने सरकार में डीजी रैंक रहा आदमी सोनी जी के लिए है। अरवास्ते निवेदन है, सरकार ओपन पूछियो नहीं, ग्राम सेवक की परीक्षा हुए के कन्या परीक्षा हुए मानसा भी में के धोनदारी में हाथ और ने माय कोई सेंटर नहीं देती सरकार, हमारा जिला ना जिला दीदार है, यह तो बाम मनक है, यह तो थी जिला बदलो, आज जनता है आज तो सरकारी सरकार बदल वाली ताकत रखे, सरकारी सरकार बदल वाली ताकत ना होगा, जनता कोई भी करे के और जनता हाथ और क्यों नहीं जानी चाहती कि यदि कलेक्टर फैसला करे है ना करने पक्ष में आवे करने विपक्ष में आवे कोई हारे है कोई जीते है तो वन अपील करते हुए कमिश्नर ऑफिस में हुए संभागीय आयुक्त तो अपने पाली जानू पड़े तो हासोर के पास ऑर्डर में पाली जानू पास ऑर्डर लेन हासोर जानू डबल और हासोर कोई गाड़ी लेन जाए तो साबित तो घरे लेना मैं पूरा राम जी कहता है बा कोई कीकर करनो वातो खरी अरे वास्ते भीनमाल जिलो बने तो पाली रे माया पे सीधा जाएगा जालो राके तो जालो ती और जीव पाली अरे अपील भी करनी है तो लोगों की व्यवस्था तो देखो बा कहवाना तात्पर्य यो है क्या जनता हाथ और नहीं जानू चाहती है कोई हालत में नहीं जानू चाहती है मोरा बच्चों ना भविष्य रे वास्ते मोरा बच्चा आवा वाला पोता पड़ पोता आम इंसान नानी वाड़ा इस माँ बाप ने नो दिए कि जनता ने चालो ती अलग की तो हाचोर हाचोर जिला नो बनायो वंटन तो रानी वाड़ा मोरे माँ बाप मोरे घर जरा था तो गार्जियन था ठीक विरोध क्यों नहीं की तो और विरोध ऐडो कर लिया जितना उधर मोरी मांग नहीं माने मैं शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा और अने आंदोलन ने जितना उधर जारी रख रहा सरपंच साहब सब हाथे नहीं सब तबीयत हाथे नहीं जितना उधर मोरे जिलों भिनवाल ने बनावो या जालो ने जाको अनवास तक काम मांग कर लिया कि आधी रोटी खाएंगे अरे भूखे प्यार से ले जाएंगे अबे हमारे व्यापार को जाने मत दो बाप बाजार में जो जानवर है आधा घंटा घंटा रुको एक घंटा रुको अपने हमारे अपने एसडीएम साहब अरे बाप एक दो घंटे नहीं रुका ना जिल्लों की किस बने या बाप सपनों तो पड़े ही हैं सोगरा आपने ये पोता पढ़ पोता भाई वे आपने फोटो देखे नहीं बसे नौ देगी कहाँ कहीं गया था बाप थे मोरा काम की तो भूता जी बा घना दाड़े दर्शन हुआ है बा आओ जान आओ आ जान आओ बे तोरा बदल आओ मन हम जी हम जी आ जान आओ आ तुम लोग ना बोलो माता फोड़ी मटे तो धगेर को बा तो हमें अपने बीच में श्री सेवदान जी चारण साहब बना लिया है मेरा निवेदन करोगे आप अपने उद्बोधन दे सेवदान जी चारण साहब तो कोई वो तो जिला में तो जाम कोई ठीक है अपने कोई अपने बीच में बात नहीं है मैंने सजा नहीं ले दिया पहले से आप चलिए अपने भगवान आत्मा सुख तो दे हाँ बोलिए नहीं ना ये बोले फिर से लास्ट में ना धन्यवाद दे रहा हूँ अजय भाषण दे रहा हूँ आदरणीय श्रीमान जी
ठाकुर साहब महेंद्र सिंह जी पधारे हैं, मैं उनका साधुवाद करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं और कागमाड़ा से भी सभी सिरदार, सभी समाज के 37 कौमों के सभी बुजुर्गों को और मेरे भाई समान और मेरे सभी गांव के, सभी आपके गांव की जातियों को और हमारे काड़ू जी यहाँ बैठे थे, बुजुर्ग आदमी हैं, उनको सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। मैं तो खैर मैं हमेशा जिस दिन से धरना चालू हुआ उस दिन से यहाँ आता ही था, मगर आप भी जानते हो हमारे सरदार राम जी मार साहब का एक बच्चे की डेथ हो गई 4-5 दिन पहले और कम सरदार राम जी हमारे वहाँ रहे हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा धीमे बोल रहा हूँ। बाकी हमारी समाज तो आप भी जानते हो चारण समाज जो छड़ाने वाली जाते हैं और मैं तो हमेशा मैं जो भी यहाँ दो बोल कहे तो मैंने हमेशा जोश ही चढ़ाया है यहाँ। मगर हमें भाई आप भी जानो कि जब किसी की गांव में से नशे पते के हिसाब से एक आदमी या एक बच्चा भी जाता है तो जिसके वो के लागे जो है सर दुखे जो है पीठ, आप जब जानते हो जो हमारे गांव में छोटे छोटे गांव हैं उसमें किसी की डेथ हो जाती है तो हम कितने दुखी होते हैं, माँ बाप सारी जिंदगी भाई बहन। और जहाँ एक दो मौतें होती है गांव में अचानक कभी कभी कई वर्षों के बाद में तो भी हम बहुत दुखी होते हैं गांव वाले। तो आप भी जानते हो चाचौर जिला से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चाचौर भी हमारा पड़ोसी जिला है, चाचौर भी आज से 20 साल पहले एक अच्छा एरिया था, चाचौर में भी हमारे संबंधी हैं, हमारी बहन है भुआ सबकी शादी राजपूतों की चारणों की सब चौधरीयों की समाज हर समाज व्यापारी वर्ग सब जुड़े हुए हैं। मगर एक क्या है कि वो थोड़ा नशे की बात है, अभी आजकल थोड़ा नशा उन चाचों में बढ़ गया है और वो हमारे यहाँ नहीं है इतना, इसलिए सोचते हैं कि आज के बच्चे युवा कार्यकर्ता ये अगर नशा सीख जाएंगे तो और तो चौधरी समाज तो होशियार खैर अमल बंद करो की दू, पर अजय राजपूत समाज ने भी बंद कर दिया, कुछ समाज भी अमल वे चालू रहा वही घड़े घड़ो हुए हैं ओपन तो अतरों जो अपे नशा वाला रहते जाओ राजो तो से अपने तो पथारी फरी है भाई, कोई स्वंग की बात है युवा कार्यकर्ता है जो अभी बढ़ावा अपना देखो वैसे नशा अपना पड़िया तो आप जोड़े सो। एक गोम में सरपंच साहब गए तो अभी उन्होंने वार्ड पंचायत बुलाए इनको सहमत की सब चीजें लेनी पड़ेगी, भाई देखो गोम में क्या कई वार्ड में काम कर लू, कई वार्ड में काम कर लू, कटे खाड़ा है कटे रोड है कटे मरडो नौकड़ो, तो वे भी सलाह लेन काम करें सरपंच साहब भी सबने खुश रखें। तो फिर ये तो एक राजस्थान की बात है, पंचायतों की तहसील बनी, तहसीलों में प्रधान बने और ये छोटी मोटी बातों तो रहती रही। और कोई एक वीरो वेरा में चार बोस होते भाई वो हमने वेरा ने टुकड़ा करे करें वावो, पर अगर कोई इज्जत रो सवाल वेन जब से सियारे में बूटा उड़ाव तो क्या भाई थारा लाई तार वाम कोई छोटी मोटी बात तो बूटा बोला तो जर इज्जत रो सवाल वे सियारे भाई यारे एक वेणु पड़े गोमरे एक वेणु पड़े इज्जत रो सवाल वे पंचायत रे एक वेणु पड़े पंचायत समिति रे एक वेणु पड़े और तहसील रे भी एक वेणु पड़े। मुख्यमंत्री साहब रे कांग्रेस थी खैर सुखदेव जी जीतोड़ा बहुत खुशी की बात है हासुर वाले जीताड़ी उन्होंने मे लिया तो उन्हें कोई ओपे नान नहीं देता अपन कोई आपत्ति नहीं है। पर भिनमाड़ में भी एमएलए साहब बेवड़ा जीत गया था, मंत्री साहब भी अर्जुन सिंह जी भी है मंत्री जोड़े राजस्थान रहा और तंजी पे भी मोटू पद रही तू तो बड़ों ने जो भी है अपने आज हाथे संबंध पूछे राजी पाती मतलब जो भी जिलो बनाओ तो जिलो बनावा लायक वे बड़े जिलो बनाए वो तो ठीक रहो क्योंकि एक सेंटर भी जिते नहीं है और हासुर में एक सेंटर नहीं है उठे एक मतलब जिलो जीतो करो वो आपने सबने ठा है। आज अपने सबकी मोटी कारण है कि आपने रेलवे ठा दी जाए और फिर 10-20 रुपयों में भिनमाड़ जाओ पड़ा बच्चा जाए आज 2-3 कंपटीशन की परीक्षा में जब मेरी बच्चा बढ़ाए आप ही बढ़ाओ और आपने ठाई से
कि चार नौकरी तो मैं पोस्ट के 10,000 और बच्चा उठे परीक्षा देवा जाए चाहे फेल हुए चाहे पास हुए पढ़ावना तो बच्चा जरूरी है। बच्चों बाहर भी जाए बॉम्बे जाए कोई भी एरिया में जाए तो वो पढ़ो लो तो और पढ़ाई रो जमो हो तो बच्चियों बच्चों सुबह बढ़ावना पड़े। भिनमाल एक अड़ो एरियो है कि उठे रहवारी भी सुविधा है बीएड कॉलेज है मोटी मोटी होटलों हैं ट्रेन जा रही है बस जाए हर साधन जाए शांत एरियो है बच्चा भी अपना सुरक्षित रहे अपन को चिंता नहीं नहीं नशा नहीं पता। और भिनमाल आज थी कोई मांग है नहीं भिनमाल तो पहला थी भी अपन विश्वास तो सब कार्यकर्ताओं सब नेताओं गण ने के भाई जरी भी जिलो वही है तो पहलो अपने जालोर सुको भिनमाल रही है आप सब ने था तो और जालोर में एक एसटीएम ऑफिस पहला तो पोते बिराजी आए ठाकुर साहब ने ठाए महेंद्र सिंह जी ने के पहला मेजर 25-25 साल रहा था वनटे में अपने जो ऑफिस तो वो एक भिनमाल तो एसटीएम ऑफिस एक जालोर तो उपखंड हाफसोर रोणीवाड़ा जसुमतुरा ने बाद में हुआ है तो सबकी अच्छी तहसील भिनमाल थी। और फिर आज यूँ तो कहता नहीं कि भाई चलो रानीवाड़े जिलो बनाओ प्रो और फिर काली मांग तो करता नहीं हूँ और फिर तो एक सही मांग कर दिया कि भिनमाल एक जिला लायक है तहसील और भिनमाल बनावनो चाहिए यू है यार दोस्तों। और ही तो मैं कहा है कि युवा कार्यकर्ता क्यों मैं तो 50 थी ऊपर दड़िया पर हूँ आप भी थोड़ो मतलब कार्यकर्ता जोर राखो तो थोड़े आ वाली पेटी थोड़े वास्ते ठीक रही है और आ वाली पेटी थोड़ा अपन कही भी खरी कि भाई मोरे जो है मोंग जी की थी वो मोरे डोकरे को के छोकरे को तो आज जरूर मोरे जिलो अपन मोड़ो और आज जिलो अपन मोड़ो तो और मड़े हिंदो तो और मौत गया तो मैं नहीं देती है। यू भी आदरणीय मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत जी राजस्थान रो अपने मुख्यमंत्री तो वह कोई पहली वेला मुख्यमंत्री नहीं हुआ अशोक जी ने भी घना जितना ऐसा कार्यकर्ता है जो वे पसंद करें कि अशोक जी बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है 19 जिला दीता है तो राजस्थान में दीता है कोई भारत की बाहर नहीं दीता बहुत खुशी की बात है पर 19 जिला दे के तो एक जब्बा माए थी ओपन एक जिलो दे के एक जिलो ओपन देना क्योंकि जादूगर आदमी है मुख्यमंत्री रहते हैं बड़ा एक नाम तो अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री जी एक नाम तो आए हैं और बीजू नाम बड़ा हमेशा आदमी ओपे घना कार्यकर्ता नहीं कहता बे नाम माँ बापों नाम दी दौड़े एक बीजू नाम थी कोई गोमड़ी आम आदमी मजाक कर नाम भी एक जादूगर नाम है तो बे नाम होती अशोक जी मतलब महान समझदार आदमी है वे जादूगर भी हैं तो एक हमें जिलो प्रो बनावे ओपे हमें कहेंगे पग्गो बाग बड़े ओपे आखिर राजस्थान की घटे बड़े करो भारत रिंग वो अपने जितनी पोस्ट है अपने पास जितनी नेतागिरी है इतनी हुई बात करो अपने तो भिनमाल में जालो प्रो बनावे भिनमाल बनावे तो बहुत खुशी की बात है हम भिनमाल जिला लायक इसे और हमेशा ओपे में यूं है कि हिम्मत तो राखनी पड़ेगी और हिम्मत आया कि असवा तो कोई कौम नहीं व्यातू है और आपने सबने भाईसन वोश क्यों के सब लोग उठे आप पधारो हो उधर कौम धंधो खराब गए तो आपने धन्यवाद दूं कि हर आंख से आंसू निकाला मत करो हमेशा आप रोई आती है रबड़ी आती है कोई कौम नहीं वे आखिर हिम्मत राखी आती कौम वही है और हिम्मत रखा तो इस कौम वही से हर आंख से आंसू निकाला मत करो हर जख्म लोगों के हर जख्म दूसरों को बताया मत करो क्योंकि लोग तो हाथ में नमक लिए फिरते हैं अपना दर्द किसी को बताया मत करो बराबर तो हमें हर अपनी जो पीड़ा है वो हर आदमी आके क्या होते हैं ऊपर तो एक इस चीज है कि धरना नहीं हिम्मत राखे नहीं शक्ति संघर्ष आ धरनो है अरे नहीं हिम्मत राखे नो ये करो तो ठीक रहे क्योंकि नहीं कोई आदमी रा कोई विचार में कोई आदमी हसोड़ती व्यापार और संबंध रहे वो एक आदमी कहे कि यू करो तो वो भी गलत है तो हजार घना वो के घना दिमाग घना मनक जीव बात है पर आप रे कोई बात नहीं तो एक लक्ष्य है कि वो भी ईश्वर की मैं आशा रखा हूँ तो मालिक भी हमेशा भक्तों हो बड़े और नेता गिरी पाए नेताओं पर कोई चीज मांगा तो नेता ही आखिर कंटा कौकन को कौकन दें पर वो पे नहीं मांगे तो कोई नहीं देते हैं और हाजिर हर जगह पर प्रेम रूप अवतार करे ने देरी एक पल हो सत्य विचार प्रेमी के वंश में बंदे मांगे सो ही दिन भक्ति भगवान और बोलनी तारो तो प्रेम हाँ सो सही नाटकबाजी तो नहीं पड़ती है
हाजिर हर जगह ऊपर प्रेम रूप अवतार करे न देरी एक पल हो सत्य विचार प्रेमी के वंश पे बंदे मांगे सोही देत और बात न टाले भक्त की परख में चच्चा हित अपना जो अगर सही हित है ईश्वर हाथे भी तो वो भी दयालु तीन लोगी नाथ अतरो एक मोह नाम लाऊ धुड़िए बैठो बैठो आज तो अठे अतरा जना नाम ले लिया थोड़ा गिनी तो वो आवाज होपड़ी इसके अपने बच्चों रो अपने भविष्य रो अपने हारू नहीं होपड़े तो अपने बच्चा हारू होपड़े आज मारा तनी वही आपने आधा जोड़ी है आपने तीन लोगी नाथ मेहरबानी करी ने का मोहर बिनमार जिल्लो कराओ करो अशोक जी मुख्यमंत्री साहब आदरणीय हो जो हाथ जोड़े किया के भाई देखो साहब आपने सबूत दिए कि मोहर भगवान तीन लोग नाथ कृष्ण भगवान दे जी आप मुख्यमंत्री हो सोना और सुगंध एक तो अपने महान महान रामचंद्र जी भगवान हुआ कृष्ण भगवान हुआ साधु महात्मा ऋषि मुनि और बड़े बाद में अपने अशोक जी तो सबूत दे तो जिला की कौम है मने विश्वास है कि मुख्यमंत्री साहब अपनी भक्तों की आवाज अपना अच्छा कार्यकर्ताओं की आवाज क्योंकि रोनीवाड़ा तो एक सब सुंदर नगरी है अरे कोई नशा नहीं पता नहीं मैं भी जमारा गाड़ी है धुड़िया थी 15 किलोमीटर पड़े हमेशा आओ पर कोई झगड़ा नहीं बीजा नहीं सुख शांति है तो अने हिसाब थी मैं हमेशा आइस क्यों के हमेशा आज चीज हमें अपने नहीं छोड़नी है कि वन खंड में आग लगी जले चंदन का वंश मैं तो जलो पंख बिन तू को जले हंस वन खंड में आग लगी जले चंदन का वंश मैं तो जलो पंख बिन तू को जले हंस मरोड़िया पत्ता रसपिया बैठा एक ही डाल और तो जले अब मैं क्यों उड़ू जीना कितने साल मोरे तो मैं बहुत कम जीवन हो गए पर आप जो कार्यकर्ता जो युवा कार्यकर्ता हो वो हिम्मत राखो ही हो तो आ रानीवाड़ा एक चंदन झाड़ है और अने ने हमेशा हिम्मत राखे हम वापिस भिनमाल जिलों पर बनावा रही हमेशा कार्यकर्ता हिम्मत राखो और मो तो हमें बजे उद्दीप बोलूंगे तो ये वो मोहन तो सस्ती माँ ओसो भाड़ू ने सिखा दी तो आपने सभी ने कार्यकर्ताओं ने हमारी जय भारत माता की आज तो थोड़ी धीमे बोलू आपने पहला धीमे की रू और जय आपेश्वर महादेव जी री जय भैरवनाथ जी री सभी देवी देवताओं जी हो जाए तो 33 करोड़ हिंदू धर्म सभी री देवी देवताओं जी भाई सब जय हो जय हो जन आप लोग खूब खूब स्वागत आप बधाई आगे माना थी और टाइम निकाले तो आप भी बहुत मतलब हिम्मत राखी है रेडी रेडी हिम्मत राखजो आता जाता रहो बहुत बढ़िया નોકરી મેં પીડાય એ હાથોડ મેં જિલ્લામાં જાણો નહીં જાતા એનવાસ્તે પધાર્યા અને આપણે બીચમાં સુરત મંદિર સેન સાહેબ 80 સાલના યુવાન હોમે વિશો સાહેબ રોજ પધારે એટલે હા હરિસિંહ દેવ મને ખાલી આયા ને સ્વાગત કરો સા સુરત મંદિર તો પધારી આયા ને સ્વાગત અને આપણે ભાઈ કિસાન સંઘના જિલ્લાના અધ્યક્ષ બી અને અમે તો ગામડા ગામ મોટું મોટું પદ લઈએ દાયિત્વ લઈએ એના હરિસિંહજી તાવી દે બરાબર બા બેજો હો બા અમે સાહેબ હો પીડિયા લાવજો સા હા અને ગયા અમે આગા પાછા અમે દિલ્હી પધારો જાજુ માથો શ્રી હરિસિંહજી હા બીપી તો બીપી તો ઉતરે આ બીપી હાથો મેલો હા હાથો મેલો બીપી હા બેટા બેટે બેટા બેટા કોઈ કોઈ બા ઠીક ઠીક દેવો અમે અગલી ઘડી મેં દેવો આપ ઉટા ઉઠી મત કરો બા અગલી ઘડી મેં આપણે બીચ મેં મને રોજ આ વક્તા અધિ વક્તા વક્તા આશીર્વાદ દેતા રોજ માલવડાથી આવણો સંત બેનો હાર્ટ પેશન્ટ થી આપ બી સાહેબ હરિસિંહજી સૂજ મળજે છે હાર્ટ પેશન્ટ લેકિન અનો જો જુનું છે તો જુનું ને ના આશીર્વાદ વિવાય પટવારી બિજલી હોય તો પેલાથી હડતાલ માથે
सब पहला आप अठे पधारिया हो अमूल्य समय निकाले खोजी हुआ हो और मैं एक व्यक्ति रू हित नहीं है सबरू हित है वो सबरू हित चाहे एक रू नहीं चाहते भगवान तो बाप जड़ा बेटा और माँ जड़ी जान जड़ा हम किसी से काम नहीं। आप सब ने नमस्कार वंदे मातरम जय हिंद जय राम जी की जय भारत। जो मनुष्य धारी है जो मानव देह धारी है उनके वास्ते कोई चीज असंभव नहीं है। मनक धारे वो करे एक है देवता धारे वो नहीं करेता है देवता करी सब चीज है जो अपने करनी है पर एक चीज भगवान ने ओपरे मन खान दी दी बनो करनी है वे बड़े हर उत्तर पे है कि बड़े भाग्य से मनुज तन पावा जो भाग सारे उसको मानव जैसा जीवन मिला है और मनुख रे वास्ते कोई चीज असक्य असंभव नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल नथिंग इज इम्पॉसिबल टू ए विलिंग मैन। गुजराती में कहते कालो माथारो मानवी दारे ते करी सके दारे तो वाग मारे ने तो ऊंदरी नहीं मारे के दारे तो अबे धारी है एक पंचायत नहीं एक गांव नहीं आप रे जो ब्लॉक है ना रानीवाड़ा रो जतरो भी है सभी धारियों है। अरे आजकल टाइम एरो है पहला तो काम वे तू के बेटा बेटी से सम्मान करता पड़ा अजय जन्म ही जाना तो पेट में जी मन पहले कितने के थोड़े टाबर मोरे टाबर बेच रहे हो वो दीदा माँ बाप करता मंजूर हमें वो टाइम नहीं है हमें तो दीकरा दीकरी ने पूछना पड़े घर बेटे के भाई बैठे यूं है घर को छोन गाँव पसंद है तो पूछिन करो तो वो पार पड़े ना तो पार नहीं पड़े माँ बाप पर करी बहन निखरी कोई नहीं बैठे अनुभव से तकलीफ है कि वो पोनी पूछिया वगैरह ही बैठे समन की दू करो आचोरी है भाई। अरे वो पन जो पूछ लो तू अरे मामे रू करनु वे मकान करनु वे जमीन लेनी वे विवाह करनु वे कोई भी काम करनु वे तो होजवन ने पूछी अरे होजवन काम भुआड़ी ने पूछनु पड़े घर बैठे तो यदि वो पन पूछी हो के भाई रानी वाला ब्लॉक वाला थोड़े बैठे हाथोरी मेलवारी मोरो प्लान बने रही है थोड़ी का भी इच्छा है ते कोई नहीं करे हो ने पूछियो ओ जर तकलीफ आई है पर कोई अजय बहुत दो नहीं है हल सूटो बात आयु मोरू खाओ तो अजय एक गो है अचीन में लिया था कागजोर माए कागदोर मैं जालोर जिला पे मेले हाथोर जिला में तो कर्मी वेद गांव बनना है या अठीरा पासिया अठी लावो तो थोड़ी मोरी व्यापरी तो बहुत ही मुठी और खुला पुठी खा करी पर एड़ी है के बहुत ही मुठी रही है कि अपना जो धरना प्रदर्शन है रानीवाड़ संघर्ष समिति का वो शांतिपूर्य मर्यादा में लोकलाज में अनुशासन में है उपद्रव नहीं है सभी समझदार है क्योंकि ओपरे कहवत है के गोली दादी पर मोने तो ढोल वो नौबत ढोड़ी नहीं आवे अजय तो कई पंचायत में बाकी है। अरे अब और काल की बात है संगठन में शक्ति है एकता में बढ़ है गणा तो गणा है सरकार कणी बनाई ओपे बनाई ओपे मतलब वोटे बनाई अरे एक वोट की कीमत कतरी है अमूल्य कीमत है
एक वोट कम ज्यादा आवे तो वो जीते पर वो हारे, पर एक वोट की इतनी कीमत है। तो अपने ऐतिहासिक इलाका में कम से कम 1,00,000 से ऊपर वोट है, कम नहीं। अपने पूछे वगैरह कौन अरे बिठाई चर्चा है ले रही है, ए पछताए है का कोई भाई है। मुख्यमंत्री कहे के मैं तो नहीं हुजी, पर थोड़ा तो मन कहनो तो के वो इलाका नो लायक नहीं है, वो पार नहीं पड़े, पछाई वो अपन गन्नू पड़े है, पर कोई नहीं। अजय वेग में कोई मोरी बात है, यदि वपरी मांग नहीं माने तो वो नकली बात है। सरकार तो है मोटो हारो घड़ो, ओ पी घड़ी एक वो ठीकरी, पर ठीकरी जाए तो घड़ा ले उड़ा सके, तक तो पलट सके। मतलब वोटो थी शांति थी, वोट ही ताकत है, सब कुछ कर सकते हैं। मनुष्य के कोई चीज असंभव नहीं है, सब चीज संभव है। अरे चांद पे मुझ पहुंच गया, समुद्र पे पहुंच गया, आकाश में चला गया, अब तो मामूली बात है। और उम्मीद यही है कि अपनी मांग पे वो सहानुभूति पर विचार करेंगे कि देखे इलेक्शन आ रही है, बनोरे गरज है, और हार जीत तो पब्लिक के हाथ में, पब्लिक चाहो कर सकती है। जनता जनार्दन है, जनार्दन का मतलब होता है परमात्मा अल्लाह खुदा और मालिक भगवान का शिव का रूप होता है। जनता कम है, जनता की बंधु कोई है? गोमती बंधु है, समाज की बंधु है, देश की बंधु कोई नहीं है। अरे वास्ते पर एक चीज है, ओपनी है सरकार और भगवान ओपनी कसौटी परीक्षा ले रहा है। ओपन कोई डरावे धमकावे कोई नहीं भी है, की खोटी वो काम है। हमें बड़ा राज तो हमें ओपरू नहीं मोने लिस्ट नहीं, हमारी मांग सच्ची है और हमारी मांग सच्ची है, हमारा धरना सच्चा है, समझो क्या नहीं। इसलिए सरकार को मांगना पड़ेगा, हम सरकारें करती काम से हाँ ओपे जिद करता वो कैसा दिन मा सोड़े मोरे ढोनी बनाने करो जिल लो तब तो खर्चो आवे। मोर तो कोई नहीं है, वो कागदर में के अठिन मेल या इन्हें पास आठे आओ रखा एकदम पीछे, कोई मोटी बात नहीं है। पर उसके लिए सरकार भी देख रही है, कतरा खड़ा है, कतरी पंचायतों आवे। पर एक चीज ध्यान रखने, ऐसे अपने थोड़ी कमी है। मैं प्रयोग की दो तो तुम्हारे भाइयों तुम्हारा ग्राम पंचायत वालों ने 13 तारीख ने बैठे अपने रामदेव मंदिर में मोटी जनरल मीटिंग हुई थी पूरा तहसील भाई। वोट देवा जाए जो खाली आदमी जाए, भाई तो नहीं जाती के रिवाज नहीं है। और तो धरना में भी से काम है, वहां पर हमने प्रस्ताव रखा था, मैं खुद प्रस्ताव रखिए तो कि मैंने भी आनी चाहिए, महिलाएं मात्र शक्ति भी आनी चाहिए। जब सरकार को मालूम पड़े कर भाई क्या बहने जाग होती है, और जब बहने जागे की मात्र शक्ति जागे थी तो सरकारी कुर्सी तो काम हले, इंद्र भगवान और सिंहासन है लेकर हमारे। मोरू नंबर आयु पहले इसके माल बड़ा पंचायत, तो एक तरफ मोरे बैठा था भाई और एक तरफ बहन और मात्र शक्ति बैठी थी। लावणी है वो तो हम तो लेना हो, वो तो हम तो लेना हो अठे काम है ना। सबरी फेरा फरोज बल्लो एक लो बल्ली नहीं फटती है, अवन भी बोझ एक लो की बीरत नहीं बैठती है, खाली आदमी जागा था। अभी तो महिला मात्र शक्ति जागी है, वो जब मात्र शक्ति होती है वहां सबको सुनना पड़ता है। पहला राक्षस और देवता की लड़ाई हुई, भयंकर लड़ाई हुई, वरे मई देवता हारवा लागा, राक्षस जीतवा लागा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी हारवा लागा। आर्या तब विंटर में ये प्रकृति ये कुदरत अदृश्य शक्ति मत शक्ति के रूप में महिषासुर मर्दिनी माँ भवानी माँ चामुंडा प्रकट हुई और लड़ाई हुई, महिषासुर और चामुंडा का लड़ाई हुई और उस चामुंडा ने मात्र शक्ति ने उसका वध किया, नाश किया, जीत हुई। गंडा के कहना है और एक और काम करना है,
जीवाबार निवासी समाज जोधपुर में महाकुंभ घना तो घना है वे भेड़ा हुआ तो मैं भी अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो सरपंच साहब हैं, वार्ड पंच हैं, अब डेलीगेट है, एलिकेट है, प्रधान है, सबसे मैं कहता हूं एक ही विनती और करता हूं, समझोगे नहीं कि हमें भी अजय इलेक्शन वाला दिन बाकी है, लगभग 15-20 दिन वही अंदाज खरीदारा बाकी है, तो बनने पहला भी ओपन है 1-2-3 महाकुंभ मीटिंग करनी है, समान बुलावना है, मात्र शक्ति और ये पुरुष शक्ति सब आ जाएगी, तब तेलगा मच जाएगा, वह फोन पर फोन जाएंगे 11 साहब के, पूरी देसी ने लाख हवा लाख लोग भेड़ा हुआ है, घना तो घना है, मानना पड़ेगा। अजय सरकार तो तुम्हारे बाड़े के गांव में मैं जतरा मन खेन पंचायत है बनना 20% ही नहीं आता, वहां से हासी हो पे घर में बात करो, 20% भी पब्लिक है क्या, सब वोट मिला करके 20 नहीं है, हमें सबको एक दिन लाना है और बताना है और शांतिपूर्ण ढंग से करना है, क्या चीज नहीं हो सकती है, और बहने भी यहां करके बड़े विचार व्यक्त करेगी, ये अकेले नहीं है, हम भी इनके साथ में हैं, सरकार हमने पर हमारी बातें मान लो, अरे ओपे नहीं चाहता हूं कि अगर हाथुर की नहीं जाना चाहता, सब बन था है घर में सब जाना हो, वो है रात वो है दाड़ो, बनौरुल चाल चलन बोली चाली व्यवहार बीजो की कर है सब जानो हो, अरे वास्ते कौन जानू चाहता, कोई भिन्मा लू कहता नहीं हो कि भिन्मा जिलो बने तो मैं भिन्मा जानू चाहे कुछ क्यों नहीं कहता हूँ, बस ठीक है बदी मुझे ला कर ये अपने नहीं जानू मेरे पर जगह करे वो हो, अरे भिन्मा वाले काम ने धनु दी दू तो कई दिन तक धनो है जिला बना वास्ते विन टेम ओपे कुंभकनी होंगी फूता था जो विंटे मोपे पर जागोन हारई और ओपे साफ दी तो बहुत तो सबको मुंह तोड़ू पर कोई नहीं हल सूटो बात आयो मारू खा तो अजय अजय अभी सब कुछ हो सकता है मकन है बहुत है लेकिन एक चीज ध्यान रखना हाँ पर अजय वे क्यों है कोई मोरू नहीं हजमकन देश देश गुलाम हुआ ने हाथ सौ पर हुआ था हिंदुओं का भारत का हिंदू शासन अंतिम पृथ्वीराज चौहान थे और पृथ्वीराज चौहान के बाद में 700 वर्ष तक देश हिंदुस्तान गुलाम रहा पर हिम्मत नहीं हारी संघर्ष हुआ वीर गति को प्राप्त हुए शहीद हुए मामा हुए जुंजार हुए हमारी बहनें भी आई वीरांगना भी आई लेकिन हिम्मत नहीं हारी महाराणा प्रताप और शिवाजी सब आगे उसके लाल पाल सुभाष चंद्र बोस और आजाद सब कुछ आगे भगत सिंह सब आगे जब सरकार को झुकना पड़ा तो वो तो 700 वर्ष तक लड़ाई लड़ी जर आजादी मिली थी ओपन 700 वर्ष तक नहीं है ओपन तो खाली जो मीना में थोड़ा दिन गुस्सा है एक देश जाना आना है सबको आना है पर एक बात है कोरा मोरा पकता पकता आव बुद्धि को हमने आले और कोरा मूछरे को हमने आले क्यों के रोड माथे गाड़ी हेले हास बोल दो कम से कम कचरा पीड़ा बह गाड़ी हेले कचरे पीड़ो वाली गाड़ी बे रोड माथे हेले कम से कम बे एक री हेले एक ठको ने हेले हथे नहीं हेलती है सर्कस में हेले सर्कस खनी देखियो बेन तो ठाए वो भाई बेन वो एक पीड़ा री गाड़ी हेले पर वो उठे अठे तो हमारी गाड़ी है ना कोई भी काम करो अपना काम करो समाज का करो राष्ट्र का करो गांव का करो कोई भी काम करो उसमें दो पहिए की गाड़ी चाहिए तो अपने बे पीड़ो है एक दख लो एक उठ लो दख लो पीड़ू कई होनो दख लो पीड़ो युवान मोठियार नौजवान और दख लो पीड़ू और पूछ लो पीड़ू कौन है बुजुर्ग वडील पंता बंधक आप पूछ लो पीड़ू डके क्यों नहीं लगाई हो क्योंकि युवान हमारी शक्ति है हजमा कहने वे काम कही युवान पकता मैंने काम कही मोटिवेट हो मैं थोड़ा ला रही हूँ हजमा कहने वे आशीर्वाद दें बुजुर्ग तो युवा ने आशीर्वाद दें और युवान आगे बढ़ते हैं युवान बढ़ते हैं इसलिए कहते हैं जय जवान जय और जय विज्ञान हमें जय विज्ञान भी है विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है समझो क्या नहीं तो दो पहिए हैं
युवाओं को भी आगे लो, घर पर चर्चा करो, हो जो बैठा हो के नहीं हर एक घंटे में देखो भाई हरी बात है। सरपंच साहब ने वार्ड में हारो ने कह रू ओपड़ी पंचायत सबसे ज्यादा संख्या बनी जो है, अरे दस्तक में अरे नाम लिखाए मोबाइल नंबर लिखाए ये के मैं थे जाओ पर है ना सबको आना है। जन जन पिया धर्म चालू दी दो है अठक अन्य पहला थे रोम दे मंदिर वन जंती मु रोज आऊ सूर्य करकन मुख्य वार्ते वाले उलझवारी के रोज उगे के करकन तो वाह सूरज है माव नंदी जो सूरज मल बस असल फर्क है दर रोज आऊ पे बीज ना मत गए तब तो मु रोज नहीं आओ तो अकड़ को हम चालू की दू है ये मंदिर तो अपना बढ़िया अपना आप उठाए मस्जिद रे माए नमाज कम थी कम दिन में ओपरे मुसलमान भाई कम थी कम कति टाइम में पहुंच बेड़ा ओपरे मंदिर पड़ी हुए कोई जैन कोई जाता ही का सब लोग दर्शन करवा जाए नहीं जाता है व्यापारी लोग मरिया सुझाव दी दो सब उन्होंने एक नया काम चालू किया है बहुत बढ़िया काम किया है। जितने भी दुकानदार है पहले भगवान की पूजा दर्शन बाद में दुकान खोलेंगे पहली भगवान की पूजा पसे पेट पूजा ये सुबह जाते हैं तो सुबह 8:30 बजे फिक्स एग्जैक्ट हजमो का नहीं सूर्य ग्रहण मोड़ा हो गया एक मिनट आधा मिनट तो सुबह 8:30 बजे मालवाड़ा के व्यापारी हजमो का नहीं देख देखे गोम वाला और भगवान की पूजा मंदिर में जाते हैं सब लगभग खासा बला मैं जगह ही नहीं मिलती है। इसलिए अपन को भी अब की बार किसका नंबर होगा भाई अपने हाँ काले रतनपुर हाँ रतनपुर का नंबर बना। अब मैं सुझाव दे रहा हूँ आप सबकी ओर से कि अपने भी सब तो नहीं पर 7-8-10 पंचायत और एक तो रखो भेड़ो ताकि संख्या देखा है मनखोनी ठापड़े फिर उठाते तो आवाज जाए हर चीज संभव है। मारी उम्र में घनी नहीं है कौरव और कौरवरी लड़ाई मेरी थी बने रहे मैं कौरव और कौन बनाया था सेनापति कौन बनाया था बेस माँ पिता माँ कतरी उम्र थी बना रही 180 बरला डोकरा पर ये जवान था 180 वरी उम्र रा कौरव सेना रा प्रधान सेनापति 180 ने मार तो ये खाली 80 पे हो तो बाकी है आदमी का मनोबल चाहिए विल पावर चाहिए आत्मबल चाहिए हिम्मत है मर्दे खुदा समझो क्या नहीं हिम्मत होनी चाहिए उम्र की कोई मतलब नहीं है समझो क्या नहीं। अरे और मन थोड़े बदारे क्यों बोलना पड़े अनु कारण है कि कागमाला में नौकरी की दी है 3 वर्ष तक और मारे पिताजी की दी है 9 वर्ष तक ये झारखंड उपवा है कागमाला स्कूल में ये मारे पिता ये वायोला है तो कागमाला गोम अंग है कोणी हो और मारे रोम रोम फूर में मरियलू है अर वास्ते आप रोम है सोने हज मकनी तो मु सुबह गियो तो चारा एक लोका सार में ओठा दी पटावेन सीधो टुकड़ा में 10 टुकड़ा मठे आया हूं साधन ने मरे ओठा दी सीधो अठे आया हूं अट्टे मथे आया मोरी फर ले तो भीष्म पितामह हिम्मत ने हारी घना तो गणाए के एंड थोड़ा तो अरे देखो घना थोड़ा ही बात करो कौरव कदरा था भाई बोलो पौड़ कितना था तो थोड़ा खुण था पौष तो जीत कना रही वही कौरव के पौड़वारी तो यू की कर बे तो होता अन्य हो रहा हम भीरू को हो रहा हो बेश्म पितामा द्रोणाचार्य हनुमान ने कर्ण और क्या नाम के बड़े रथी और 1800 सेना बड़े होशी को अपनी जीते पैदा हो भाई हो ये पांच जना है ये अपने हम हो लेकिन एक बात है भगवान किसकी तरफ होंगे जो सत्य धर्म न्याय और नीति पे चलता है उसकी जीत होती है और उसकी तरफ कौन होते हैं भगवान पौट भले ही पहुंचता लेकिन भगवान उनकी तरफ थे और उनकी जीत हुई। मैं भले सोता थोड़ा लेकिन पांडव है हम कम नहीं है सत्य धर्म न्याय नीति ये धरना शांतिपूर्ण से मर्यादा से चलना चाहिए अधिक से अधिक संख्या होनी चाहिए सत्य में जयते सत्य की जो होती है हमारी मांग सत्य हमारी मांग गलत नहीं है। आपने बिना सोचे समझे हमको मां धकेल दिया वहां कोई जाना नहीं चाहता है अरे वोट करा हो सरकार को विश्वास नहीं आता कैसा
थोड़े एना में थी अठे कुन रहनू चाहे पछे कुन रहनू चाहे तो वोट तो अपने पक्ष में साबे के रोनी बड़ा रहनू चाहे उठे कुन जाता ले पब्लिक जाती और इलेक्शन नजदीक है अपनी मांग जरूर मनाएंगे लेकिन एक ही दे हमको एक ये दिखना चाहिए धरने में जाना है सबको आना है और हमके तो धरनो भी है ना वो पर सबरू एक लो ने आऊ मुँह एक पेटी बरे दीगरो बे पेटी पोतरो तीन पेटी पर पोतरो चार पेटी थे आवी मु मारी कहूँ और थोड़े कपड़ी पेटी लावनी अधिक संख्या में आना है समझो का नहीं सब चीज संभव है अर्जुन जैसे बनो कौरव और पांडव रे परीक्षा पूरी हुई युद्ध विद्या पूरी हुई हमें हमारे अनुर मोटी परीक्षा पास फेल रही और पेपर पांचवीं नहीं दसवीं नहीं बारहवीं पेपर नहीं आईएएस और आईपीएस का पेपर एसपी और कलेक्टर की मोटी परीक्षा दया वाले थे काले आप जोरा विचार करेगा कौन प्रश्न पूछे इन काम करे सबके खड़े हो गए लाइन में खड़े हो गए अब गुरु द्रोण ने क्या किया परीक्षा के वास्ते मोटो पेपर झाड़कू तो झाड़कू बन माँ के लकड़ा दी चिड़िया माँ से फिट की दी पी कोई डगियन कोई करे पछे एक एक ने बोला दुर्योधन चिर जाओ बोलो गुरु जी क्या है ये चिड़िया है कि हाँ है इसकी आंख में तीर लगाना है लगा दोगे तो वह सब काम के उठाए अरे गुरु जी आप तो पहली क्लास में छोकरो में के वही परीक्षा दिया और पेपर है मैं तो ठेठ आईएएस आर एस की परीक्षा देव आया हूँ अरे अरे तो काम हम लोग का नहीं वो दे दो वो तो फिट है मैं तो अकरा होशियार थोड़े प्रताप की आकाश में उड़ती चिड़िया में उड़ती चिड़िया बनने भी बोन लगाओ तो अकरा होशियार हो रेवा दो घनी बात नहीं करनी बेरो इधरा एक बच्चा इधरा आया दूर आया क्या काम करना है कि चिड़िया की आंख में तीर लगाना है लगा देगा कोशिश करूंगा अभी लगाता हूँ क्या दिखता है का उसने काम देखा है कि मैंने तो हार देखा है चिड़िया पोख पंख और अब पत्तों डालों फल फूल थे मे ए वे तो हार देखूंगे फैल जा गए भाई जने कौमती आयो तो वही चीज देखनी जो ये हार देखवा जायो तो कौम नहीं रहे सबने वही पूछी कि सब देखा है फैल अंत में अर्जुन को बुलाया अर्जुन बराबरी अर्जुन आए कमी यार नमस्कार क्या काम करना है चिड़िया की आंखों भेदन करना है करोगे कोशिश करूंगा पर पहले प्रश्न पूछूं फिर तीर चलाना क्या तुझे क्या दिखता है तो बने द्रोणाचार्य पहला अंग्रेजी में अंग्रेजी किताब की हूं हेलो मिस्टर अर्जुन व्हाट आर यू सीइंग अर्जुन रिप्लाइड आई एम सीइंग ओनली द आई ऑफ द बट नॉट एनीथिंग एल्स मैंने तो खाली चिड़िया ओखरी मैंने की देखा है कोई देखा तो पत्ता फट कुछ दिखता नहीं है खाली चिड़िया की आंख दिख रही है लगा तीर तीर लगाया और पास हो गया बीजे भारियों के ऊपर तो पहुंचना बात तो हंसी है छोकरो क्लास में बने मार साहब बढ़ावे तो अठिन बाड़े अठिन बाड़े अठिन बढ़ावे वो नहीं बने एक ही जोन पढ़ाई हम जोन तो ओपे से आया है ना एक ही लक्ष्य होना चाहिए हमारा धरना सफल हो हमारी मांग पूरी हो और होगी और ये सबका उत्तरदायी है दुनिया में पहले ही मैं की दू कि दुनिया में मनखरा वास्ते कोई चीज असक्य असंभव है ही नहीं धारे तो नहीं धारे तो कोई देखो चांद पे आदमी पहुंच गया अरे मनुष्य कहो है मनुष्य शरीर की हाव कमजोर है जो आखिर रखे जाए तो वो टमाटो फसलों पर जीव फसल लेकिन एक बात है जो काला माथा और मोणियों पे धारो तो शेर और हाथी को भी मनुष्य तो पिंजरे में डाल लेता है बात हंसी है जो मनुष्य धारे हाथी जरा शेर जैसा उसको तो ब्रेन तो पोजरा में पूरे प्रो और लोग लगावे पर है हाथी और शेर भी मनखरे दखे कोई कम शक्ति नहीं हो पर अपने अपने शक्ति रूप वास्ते करना है मनुष्य कोई कम नहीं है एक बहुत अच्छा दृष्टांत है औरंगजेब का राज था अपने दिल्ली के अंदर तो उसने एक बहुत बड़ा शेर लाया पकड़ के पिंजरे में से ऐसा शेर हिंदुस्तान में कहीं नहीं था इतना विशाल खूंखार शेर पिंजरे में उसको डाल दिया सभा बैठी थी जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह जी भी हाजिर थे वो प्रधान सेनापति थे
कि जसवंत सिंह सेनापति के उधर बोलो क्या काम है, देख मेरे जैसा कोई शेर है पति के ऊपर कैसा, मैं गड़ो बखण तो नहीं करना है, मोरे बड़े जोधपुर में से कटे, हमारे जोधपुर में शेर है, यदि वो शेर आवे तो तुम्हारा शेर तो कुछ नहीं है। हाँ ऐसा शेर है बुलाओ। तो जसवंत सिंह के बेटे का नाम था अपने भाई पर्थी सिंह, क्या नाम था, अब पर्थी सिंह, और जोधपुर गए कि बेटा वहां काम पड़ना है, वो दीप शेर ऊंचाई कतरी, उसकी ऊंचाई थी 7 फुट 6 इंच, 1850 फुट थी, और विशाल काय भीम के समान, ये उनकी बुझाएं, वो वहां पर लाया गया और के बेटा बैठ अभी निमंत्रण आएगा। औरंगजेब ने कहा जसवंत सिंह जी वो आपके कहाँ है, वो शेर के शेर आ गया है, कहाँ बैठा है कि इंसानों में बैठा है, इंसान में शेर पिंजरे में नहीं खुला बैठा है, ठीक कौन है बेटा खड़ा हो जा जवाब दे दे, ये शेर है, आ तो एक शेर है घड़ा तो बड़े कई शेर है, तो हो जा तैयार। वो पूरी इसका बंदोबस्त हनुमक ने कोरे कोरे बीज कटाई और जाली लगाई, माता बाला लगाया, और वो पिंजरा था ना पिंजरा वो रख दिया, और उस पृथ्वी सिंह को भी कहा जाओ अंदर, वो चला गया अपनी तलवार लेकर के, इससे युद्ध करना है। उसने सोचा है पर जसवंत सिंह आपका बेटा है, ये तो जानवर है शेर है, और ये इसको खत्म कर देगा, क्यों फालतू में, नहीं आप देखो तो खाई कोई निम मरिया था ने, पिंजरा खोला शेर आया वो भी आया, तलवार निकाली, क्या निकाली, तब पृथ्वी सिंह के पिताजी जसवंत सिंह, खबरदार अन्याय है, ये शेर नहीं अच्छा है, शेर के हाथ में भाला या तलवार नहीं है, और नियत्थे पर वार करना ये पाप है, ये धर्म क्षत्रिय का नहीं है। तो सा पृथ्वी सिंह ने उसको फेंक दिया, अब हाथ में कुछ नहीं, लड़ाई शुरू हो गई, और वो शेर एकदम से एकदम आया, लोग भाड़े के खोई की दिए, जसवंत सिंह जी हमें यहाँ शेर एक पंजाबी कौम ले रहा 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 गजब हो जाएगा, समझो का नहीं, शेर तो वो उबो। जसवंत सिंह जी ने पूछा, पृथ्वी सिंह ने उन्हें बात घाली, पट किया लथम बथा लथम बथा लथम बथा, और अंत में पृथ्वी सिंह ने उनके ये निचला भाग पकड़ लिया, ऊपर का पकड़ लिया, और वो कपड़ों में उसको चीर दिया, चीर के दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा फेंका उसने जो औरंगजेब बादशाह के सामने पड़ा, और एक टुकड़ा था वो पब्लिक में पड़ा, बजाय उसका नाम था पृथ्वी सिंह था। हम उस देश के वासी हैं जहां से रामकृष्ण भीम समझो कहीं कई सशक्त अपने शहीद हुए हैं, इसने हिम्मत न हारना है, हमारे रोम रोम में हमारे खून में, उन्हें समझो कि राम कृष्ण और पांडवों का अर्जुन का हमारे अंदर खून है, इसलिए शांतिपूर्ण ढंग से ये करना है। अब की बार जब कभी भी आओ तो अपने मातृशक्ति को भी साथ लेके आना, बिना मातृशक्ति के कुछ नहीं है। आपने एक नाम सुना होगा नेपोलियन, जो पढ़े लिखों को पता नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस कराने वाला था, और आसिम भरता गो तो अपने महाशाय की एक पाठ आया तो कि मनुष्य के लिए कोई चीज असंभव नहीं है, सब चीज कर सकता है, देवता निकले एकदम मन करे एक देवता कनी कौन है, स्वर्ग देवता रखनी काम धेनु एरवत हाथी अमृत अप्सरा समझो कनी सब कुछ देवता के पास में, लेकिन मन को रखनी एक चीज है वो है नर से नारायण, नर हरी करने के लिए नक्ति नारायण हो जाए, और देवताओं को तो अनि खोलिया मावनो पड़े, सब कर सकता है। तो मां से प्रश्न पूछिए बच्चों, एक प्रश्न पूछता हूं उसका जवाब दीजिए, कई प्रश्न पूछो, क्या बनने की इच्छा है, कोई का डॉक्टर कोई के वकील इंजीनियर कलेक्टर किसान सिपाही, उस बच्चे ने क्या कहा नेपोलियन साहब, क्या जवाब दिया कि आई वांट टू बिकम द एम्परर ऑफ फ्रांस,
पूरे फ्रांस का सबसे बड़ा आदमी ओपर शक्ति मोटो आदमी कौन है पद्मी बोलो जन ने तीन ही सेना बड़े अंडर में रही प्रधानमंत्री बने अंडर में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है राष्ट्रपति का और राष्ट्रपति कौन है वो अपने जाति रही है कि मातृशक्ति है मातृशक्ति महिला है हजमा खनी हाँ तो साथ क्या हुआ तो उसने प्रतिज्ञा की और उसका बारहवीं पास की थी सेना में वो सैनिक बन गया वो मेहनत करते 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 एक दिन वो पूरे फ्रांस का वायुसेना जल सेना थल सेना का वो सम्राट बन गया नेपोलियन तो अपन कोई कम नहीं हम किसी से कम नहीं ठान लिया कि हमारी मांगे मंगवानी है हमारा संघर्ष सही है हमारा जाना वहां ठीक नहीं है यह जाना ठीक नहीं है और भी धारो पर खड़ो हिम्मत नहीं हारो तो वो दिन दूर नहीं समझो के नहीं सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था तुम मुझे खून दे मैं तुम्हें वो अपने खून नहीं ध्यान हुआ वो अपने साथी पूर्ण जनती बहुमत बता करके अपने संघर्ष समिति का काम पूरा करना है समझो का नहीं फिर कहा चलो दिल्ली और कौमपुर पर है कौमपुर में जयपुर भी चलना है और हम तैयार हैं कौमपुर पर है हमारे जो बड़े भाई हैं हमारे जो मार्ग उसके दें क्या चलो अपने एक एक पंचायत से दस दस बीस जा लो तो हम बात तैयार है हर चीज में तैयार है आजादी ऐसे नहीं मिली है कई माता की तो बैठे कई शहीद हुआ कई मामा हुआ कोई झुंझार हुआ जरा आजादी बनी है देश आजाद हुआ है तो ये मांग है ना ये अपनी है ये अपने संघ समिति की ये कोई काम नहीं है सब कुछ कर सकते हैं और घर जा करके ये काम करना है इसलिए युवाओं को मैं कह रहा हूँ और सबको कह रहा हूँ कि हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार साथियों मांग रही है संस्कृति वन ये हमारे तहसील लाख सवा लाख लोगों की ये मांग है हाँ और देखो माँ भी कहेगी बेटा जा रहा नहीं वाला धरने में बैठे और काम पड़े तो पत्नी भी कहेगी बहन भी कहेगी बेटा कहेगा पोता कहेगा घरवाली कहेगी कि आप आगे हम आपके साथ में हैं ये जरूर होगी असंभव कोई है ही नहीं है हिम्मत नहीं हारनी है बस अब मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के विराम करता हूँ मंदोबल बजाना सब चीज सबके है और अपने कहवत है कि मोंगिया वगैरह माई बोबो नहीं देती है हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा तन मन धन और भले ही जयपुर जाना हो तो हमें तैयार आना है ऐसी हिम्मत बताओ हमारे सरपंचों को हमारे प्रधान को हमारे नेताओं को हमारे जो आगे बैठे हैं भाई गाना इनको बताओ अब अकेले हम साथ में अरे एक रुपया दो रुपया कितनी भी जरूरत पड़े हम इसके लिए तैयार हैं हमारी मांग लेके हमें वहां नहीं जाना है हम नहीं जाएंगे और ये मांग तो पूरी होगी और नहीं पूरी होती मानते हैं आगे क्या करना है ये दिमाग से जैसा आदेश देंगे वैसा होगा है मकनी सरकार जो ऊपरी मांग नहीं माने उसका परिणाम क्या होगा ओपे हरी जोड़ो वोट अपने हाथ में एक लोट दो चीज की कीमत नहीं होती है एक तो टाइम से बड़ा कोई नहीं है अमूल्य होता है ऐसे वोट की कीमत भी अमूल्य होती है एक तो है तो लाख वोट है हवा लाख वोट है और एक है तो निवेदन अपने भाइयों को जो यहाँ संचालन सब कर रहे हैं एक नहीं पांच पांच दस दस पंचायत साथ में बुलाओ भले ही और बहुत सी संख्या होनी चाहिए और एक बात सबको बुला लो जैसे महाकुंभ हुआ था कि नहीं दिव्य समाज का जोधपुर में ऐसा महाकुंभ हो और सबकी मांगे होगी और एक तो मातृशक्ति और एक तो भाइयो की शक्ति फिर सरकार कैसे नहीं सुनती है सरकार भी समाज समझे वही ध्वन खाए बड़े ओपड़े बगैर तो नहीं हेल्थ है लम्बी बहुत आया है इसलिए शक्ति रखनी है हिम्मत रखनी है और जय हिंद जय भारत वंदे मातरम जय श्री कृष्ण धन्यवाद वाह माशा वाह आपने है क्या नहीं हुआ 80 साल और रोज आप अपनो सबने जोश बनावे अगली कड़ी में पूर्व माधव बहुत बड़ा
ना बोलता पहला खूब हमारे बाहर तो दो तीन दिन એટલે પધારી આવી મોટી વાત હો બ્રાઉન સાગરા અને મીટિંગ મેં પધારનો આશીર્વાદ થયો અદભુત ખૂબ વાત નહીં પેલા હું આપણે સાહેબ પહેલા કો ભાઈ હો પેલા હું સાઈન બનવે હું નહીં હું તો દેવ હું કાગળ દેવ કરું હું તો આપણે બીચ મેં અમારે આપને આશીર્વાદ દઈ આ બાદ જતાવેલા આભાર વ્યક્ત કરેલા આદરણીય સરપંચ સાહેબ કે આપણે ગ્રામ પંચાયત બધા જ્યાં અને પૂછી આપણે બેચાર ગાડીમાં એસ ડીમ સાહેબને ઓફિસ જઈને વિજ્ઞાપન માટે દેવાનું હોય કે આજ શું વર્તન માટે બાકી તો રટાવેલ લઈ જાય તો આદરણીય ઠાકોર મહેન્દ્રસિંહજી સરપંચ ગ્રામ પંચાયત માલવડા અને રાણીમાં સોરી કાગમાલા માલવડા માલવડે જ આવેલો અણોરી પંચાયત તો માલવડે જ લાગે એ જેવા ઘણો હતું કાગમાલા પંચાયત તો માલવડે લાગે સાહેબ આદરણીય ઠાકોર મહેન્દ્રસિંહજી સરપંચ કાગમાલા નિવેદન કરું કે સૌ આભાર લાણીવાડા સંઘર્ષ સમિતિ કે લાણીવાડા સંઘર્ષ સમિતિ કે તત્વાધાન મેં आज 12वें दिन मेरी ग्राम पंचायत का धरना, उसमें मेरे गांव के बड़े बुजुर्गों युवा साथियों, ये धरना क्यों दिया गया, किस कारण से आए, क्या पीड़ा थी। मैं भी, मेरी उम्र भी 52 साल हो गई है, मैंने भी जिंदगी के दो पड़ाव पार कर लिए हैं। जो युवा साथी हैं अपन उस माहौल में रहे, उस माहौल में बड़े पले हुए हैं जिसमें हर समाज का अपनत्व तो रहा, प्रेम रहा, एक दूसरे के दुख दर्द में भागीदार रहे। वजह से राणीवाड़ा जनता की आवाज के तहत ये धरना 12 दिन से चल रहा है और अपनी ये मांग है कि अपने को जालौर जिले में रखा जाए या नया जिला भीनमाल गठित किया जाए। दूसरी बात, मैं संघर्ष समिति का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अब जितने भी पंचायतें रही हैं उनको दो दो को बुलाएं, तीन तीन को बुलाएं, और मेरे गांव से भी संख्या बल कम आया, उसका भी कारण है कि दो चार फंक्शन थे। जब तक संख्या बल नहीं बताएंगे अपने सिर सरकार को नहीं गिनाएंगे, जो कोई पूछने वाला नहीं। और अभी 20-25 दिन इन धरनों में आप कामयाब रह गए तो आपकी पीढ़ियां 100 साल मौज करेगी। यदि 5-10 साल या ये 20 दिन में आपने आलस किया, ये तो सरपंच साहब को जाना है या उनको जाना है, तो आप 100 साल पछताएंगे। आज ये धरना 12 दिन से चल रहा है, उसमें हर पंचायत से बड़े बुजुर्ग पधारे, मार साहब भी पधारे, कुंडमाराम जी मेरे साथ 2005 में पंचायत समिति सदस्य थे, इनके तीन तीन परिवार ने नौकरी की है, क्योंकि राणीवाड़ा की एरिया शांत स्वभाव, शांत प्रिय लोग हैं। आज अपनी बहन बेटी ये जो पंचायत समिति में मोबाइल लेने आ रही है, ये आराम से जा रही है। यदि यही मोबाइल सांचौर में वितरण होते होंगे तो आप लोगों को साथ जाना पड़ता। आज अपनी बहन बेटियां इज्जत से भीनमाल जा रही है, इज्जत से बच्चियां स्कूल आ रही है, स्कूल कॉलेज जा रही है, यही यदि सांचौर जाना पड़ता होगा तो हर महिला के साथ एक जेंट्स को जाना पड़ता। दूसरी बात, संघर्ष समिति को ये निवेदन करते हैं कि उन बुजुर्गों से सलाह करें, यहाँ के जनप्रतिनिधि वर्तमान पूर्व जितने भी हैं उनसे एक राय लेके जल्दी से जल्दी ये पंचायतों के धरना प्रदर्शन को अपनाते हुए पूरी समिति में, राणीवाड़ा पंचायत समिति के 112 गांव हैं और सॉरी तहसील के और 67 गांव जसनपुरा के हैं, तो चले गए जालौर में, तो कम से कम 112 गांव की जनता एक दिन ऐसा डिसाइड करे,
संघर्ष समिति के उस दिन हमारे गांव में मस्जिद मंदिर या गुरुद्वारे में बैठ के एक घंटा सांकेतिक उपवास करेंगे, जब जाके ये संघर्ष समिति को एहसास होगा कि हम लोग जालौर जिले में रहना चाहते हैं। और नहीं हो तो यदि संघर्ष समिति आदेश दे तो इस धरना प्रदर्शन के बीच में ही कोई टाइम फिक्स कर दे कि इस दिन हम पूरे गांव वाले पूरे दिन उस मंदिर में बैठेंगे, भूखे प्यासे जिस जो भी संघर्ष समिति डेट डिसाइड करे, हर जगह रानीवाड़ा भी आने की जरूरत नहीं है, उन्हीं मंदिरों में बैठ के हम अपनी सांकेतिक हड़ताल के तहत धरना देके विरोध प्रदर्शन करेंगे। दूसरा, हमारे 33 ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, हम निवेदन कर रहे हैं संघर्ष समिति को जल्दी से जल्दी प्रधान साहब के नेतृत्व में, वर्तमान एमएलए साहब के नेतृत्व में, पूर्व एमएलए साहब के नेतृत्व में, पूर्व मंत्री जी के नेतृत्व में, और इस रानीवाड़ा की जनता के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है उनके नेतृत्व में जयपुर चलने के लिए तैयार है, यदि वो नेता टाइम मांगे। तीसरी बात, यदि जनता का टाइम नहीं देते हैं तो जो मौजूद लोगों को आप ले जा सकते हैं उसमें भी हम स्वीकार करते हैं। और संघर्ष समिति के माध्यम से यह भी प्रस्ताव सरकार को भिजवाया जाए, यदि नया गठित भीनमाल जिला बनता है तो हमारे यहाँ की जनता के जो जो उद्योगपति या बिजनेसमैन हिंदुस्तान के हर कोने में है, हम हमारे बुजुर्गों से, हम हमारे साधु संतों से भीख मंगवा के भी चंदा इकट्ठा करवा के सरकार की बिल्डिंगें बनाने की क्षमता रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। सरपंच साहब ने बहुत बढ़िया किया है, मुझे बैठे बैठे मन में विचार आया कि पूनम आवे, पूनम आज बारिश है, आज चौथी बारिश हनुमानमो धरनो, आज मंत्र प्रधान साहब कर 12 बजे आज बड़ो दाड़ो तो पूनम ने दाड़ो में हो जाएंगे सदबुद्धि, एक सरकार ने भगवान ने बुद्धि दे तो जल्दी भीनमाल ने घोषित जिलो करे या जालो ने, तो पूनम ने दाड़े ने हवन राखे हवन कुंड लावे हम आउती दे आपने गांव थी भी आप जो बजार नो छो वोटे घंटो बे घंटा तीन घंटा चार घंटा जितना भी आपने समय मिले और वो समय आपने आवा वाली पीढ़ी ने वास्ते सुलभता हुई है खुशी का दाड़ो हुई है, वरना हाथों जानो अपने हाथ की बात नहीं जाना हाथों नॉम इज काफी है नॉम लिया तो रूम टा हुआ भाई बात हमें जबराम ने पहला बोलिया था कि 50 साल की उम्र है मेरे तो घास देखी ही नहीं है, जालौर जिला में रहने वाला आदमी वो कहे कि मैं कभी जीवन में हाथों नहीं देखी हूँ तो मैं सरकार क्यों मोड़े देखा भाई बात हमें वहाँ पे आज पटवार जी के अस्पताल में तो हो गई है निराश रहना पड़े जवाब इंतजार है तो अबे एक बोला छाए भैया भूल नहीं और भैया छाए भूल सब छाए भी नहीं सब चलो बढ़िया कौन है आप बोले ज्ञापन दिन पाचा पता है तो साथ हो तैयार ही रहना ना कौन भी तो छाए ना मतलब क्या है आज भी थोड़ी ताजगी लागे छाए कुछ पीवा नहीं आ रहा छाए तो आज भी यार घड़े होना भी पीएम बारे घड़े पीएम भगवान से बोल रहे लेकिन छाए एक व्यवस्था की दूली है कोई भी करनु पड़े नारो काम बोले दिया क्या दी रोटी खाएंगे अरे भूखे प्यासे रह जाएंगे
तो आप लोग गाड़ी वाला ने गाड़ी वगैरह लगाओ तो बटा दे पहले देना वाला जिन दिन ना दयावर साहब गाड़ी ना गाड़ी इधर लाओ तो मैं भी आता हूँ ठीक है एस टी वो पिक्चर देखा बे मिले थे पग वाले ने डालो अखबार में डालो है हाँ हाँ गाड़ी लाओ जो एस टी वापिस जानो को ऐसे दिन मत जाने वा हाँ थोड़ा आवाज आ जाता है दिन इच्छा है तो ठीक लगे पर अभी फोटो आ गई ना फोटो फुल फोटो ठीक आ गई तो सेंड कर दूँगा वास दरने वाले कर बनाओ नाथवाला करवाना धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बाहर पंचाल साइन करें नाथवाला ने भी वादी है करवाना ने भी है सब बढ़िया भी नहीं और सब एकदम बढ़िया भी तो आप सभी गाड़ी लेन बनाना एक बना जैन आवाना ज्यादा दीजा तुम्हें अपना नाम से ताली ले भाई यार।